वेलकम नमस्कार थैंक यू सो मच हाउ आर यू ऑल हाउ आर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड तमे केम छो राइट एंड फॉर मराठी तू कैसे आहेस सो माय डियर फ्रेंड्स अमरा भालो आची दिस इज कॉल्ड इन बंगाली राइट सो माय डियर फ्रेंड्स चाहे बंगाली हो मराठी हो गुजराती हो चाहे हिंदी हो कोई भी लैंग्वेज हो ये सब लैंग्वेज को सब सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन फ्रॉम द कंट्री सब रीजन को एक करने वाला एक ही इंडस्ट्री है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एक ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है दैट इज माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हम लोग सब लकी है आज आपने शरद सर ने बताया कि करीबन चार स्टेट नॉट ओनली चार स्टेट क्योंकि आज आप लोग को दिखाने के लिए मेरे को भी मौका मिला बिकॉज आई एम स्पेशली थैंकफुल टू नट्टू भाई पटेल सर जो मेरे को स्पेशली इन्वाइट किया है हारमोनी ग्रुप की तरफ से हरीश शेट्टीगढ़ सर डायमंड एग्जीक्यूटिव जिसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा और आप लोग का मतलब सबका बारे में हम हारमोनी ग्रुप के बारे में हम लोग अपना टीम में ऑलवेज एग्जाम्पल देते हैं और इसीलिए हम लोग भी अपना ग्रुप में कुछ टॉप लीडर्स लोगों को कुछ लोगों को मैंने ये लिंक्स भेजा है और नॉट ओनली महाराष्ट्र गुजरात दैट इज राजस्थान मध्य प्रदेश साथ में ईस्ट इंडिया का कहीं भी लॉट ऑफ स्टेट्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का लॉट ऑफ स्टेट्स है आसाम से लेके बंगाल से लेके उड़ीसा झारखंड लॉट ऑफ स्टेट्स ऑल्सो सम लीडर्स ऑल्सो वॉचिंग नॉट ओनली फॉर मी अब सब लोग को देखने के लिए आज मैंने मौका दिया है माई डियर फ्रेंड्स सो माई डियर फ्रेंड्स आशा रखते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं बिकॉज जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसके लिए हम लोग सब बहुत तकलीफ में है और आशा रखते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं किसी का एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा है आज दिखेगा भी नहीं बिकॉज हम लोग ऑनलाइन पोर्ट पे है राइट right? हम लोग एक्चुअली स्टेज में चढ़ने वाला लोग है स्टेज में नाचने कूदने वाला लोग है सामने लोग सिटी बजाते हैं क्लैपिंग करते हैं मतलब चीख चक करते हैं तब जाके हम लोग एक्साइटेड होते हैं बट क्या करें हम लोग इस सिचुएशन में आके आज हम लोग काम कर रहे हैं बट थैंक यू सो मच आप लोग सब इधर पे है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको तहे दिल से वेलकम करूंगा ऑल द फ्यूचर आइकॉन्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑल द आइकॉन्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑल द आइकॉन्स ऑफ माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ऑल द फ्यूचर डायमंड्स ऑफ माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड माय डियर फ्रेंड्स मैं तहे दिल से थैंक यू थैंक्स बोलना चाहूंगा एंटायर हारमोनी ग्रुप का हर ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और स्पेशली मेरा मोस्ट फेवरेट लीडर जिसका बात मैं हर टाइम करते हैं मैं दो फेवरेट लीडर का नाम बताऊंगा एक है नट्टू भाई पटेल सर जिसका बारे में मैं हर स्टेज में हर जगह पे बताता हूँ अपना हर आरटीपी में सर का एग्जांपल रखता हूँ हरीश शेट्टीगढ़ सर मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगा हारमोनी ग्रुप का जो मेन मुखिया जो दो लीडर्स आप दोनों को तहे दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर ये वंडरफुल आज टीम के सामने मेरे को बोलने का मौका देने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरा नाम सुरंजन दास है एस जी ने मेरे बारे में थोड़ा बोला है मेरा बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता मेरा घर कोलकाता में है और करीबन पिछले 16-17 ईयर्स आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ाई किया ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने मास्टर्स कर रहा था बायोकेमिस्ट्री लेके बट मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत पैसा वाला नहीं था इसीलिए मेरे को इमीडिएट जॉब में जाना पड़ा और मैंने जो भारत देश में जो सबसे शॉर्टकट मेथड में जॉब मिलता हुआ मार्केटिंग का जॉब जो हर किसी को मिल सकते हैं थोड़ा ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे को मतलब बहुत फास्ट जॉब ढूंढने का था इसीलिए मेरे को फटाफट जो जॉब मिला वह मेडिकल मैंने पढ़ाई किया दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम मिलकर होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O लेकिन इस तरह बहुत सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एनालिसिस लेके बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा बुक पढ़ा पर भारत देश में राइट पर्सन के लिए राइट जॉब्स अवेलेबल नहीं है हमको मालूम है बिकॉज एक इंजीनियर भी मार्केटिंग का काम करते हैं एक लॉयर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मार्केटिंग का काम करते हैं सेम बात मेरे को भी हुआ जितना बड़ा बड़ा बुक्स पढ़ा वो उसका कोई काम नहीं आया जिंदगी में बट एज ए फार्मा इंडस्ट्री में मैं बहुत कुछ सीखा मेडिकल रिप्रेजेंट में 7 साल 7 ईयर्स मैंने फार्मा इंडस्ट्री में काम किया उसके बाद 2004 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया और उसके बाद मतलब अपने लेवल पे काम स्टार्ट किया मेरा सीनियर जो था मेरा सीनियर स्पेशली फ्रॉम केरला मेरा कोलकाता में एक सीनियर है और वो सब मिलके हम इनिशियल स्टार्ट किया उसके बाद 2005 में मैं फुल टाइम हो गया और फुल टाइम होके मैं अकेला अपना लाइफ को स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल टीम और आज
जिस कंपनी का रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ उसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो पिछले 2013 साल से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ा बात, आज आप लोग के आप सबका आशीर्वाद से आज मैं डायमंड एग्जीक्यूटिव बन के आप लोग के सामने बात करने का मौका मिला। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आज आई एम सो थैंकफुल। आज कोलकाता में, स्पेशली बंगाल में, आज कंप्लीट लॉकडाउन है, बट वी आर ऑन, हम लोग आज ऑन है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन पोर्ट हमारा लिए खुला है, और पूरा हिंदुस्तान आज हम लोग एक साथ मिलके थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट मतलब 1 से 1.5 घंटा हम लोग बात करेंगे, थोड़ा डेवलपमेंट का बात करेंगे, कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे हम लोग सब मिलकर डायमंड बन सकते हैं। सो इसके लिए मैं स्पेशली आप लोग से सभी थैंक्स बोल के मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को अगर को होस्ट बना दिया जाएगा तो आई कैन शेयर। को होस्ट है ना? यस सर। मेरी स्क्रीन, अच्छा but it is not coming anywhere. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, आपका स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा, वीडियोस दिख रहा है सर। वीडियोस दिख रहा है? ओके। ये स्क्रीन शेयरिंग का स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं, मतलब ऑप्शन में डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, स्क्रीन शेयरिंग में डेस्कटॉप नहीं दिखेगा आपको, आप डायरेक्ट पीपीटी या कुछ ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं आता उसमें। मैं तो वही किया। One second. No problem, sir. मेरा आ रहा है बहुत कुछ? नहीं सर, आपका वीडियो ही दिख रहा है। अच्छा, हाँ आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया, अभी अभी शायद आएगा। आ गया स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन आ गया? यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा और वेलकम करूंगा। और मेरे फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, मेरे को यश जी ने बताया था कि फोन करके, सर व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द टॉपिक, मैंने बताया कि माइंडसेट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, दिस शुड बी द टॉपिक, बिकॉज अगर अपना माइंडसेट सही होता है, माइंडसेट सही होता है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, कुछ भी कर सकते। जैसे कि देखिए, आज मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि मेरा आज थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम है, मतलब वाई थ्रोट का प्रॉब्लम, बिकॉज कंटिन्यूस बातें कर रहा है, फोन पे जूम पे कंटिन्यूस बातें कर रहा है, बिकॉज हम लोग पूरा काम अभी घर से कर रहा है। तो अभी जैसे कि इतना ज्यादा बात करते करते मेरा थ्रोट का कुछ प्रॉब्लम, मतलब थ्रोट में कुछ मतलब आवाज थोड़ा मीठा नहीं आ रहा है, बट फिर भी आज मैं कमिटेड हूँ, इसीलिए मैं आज आप लोग का सामने आके बात कर रहा हूँ। बट आई एम नॉट ऑफ, आई एम ऑन। वाई? बिकॉज माई माइंडसेट, मेरा माइंडसेट जो है ना, मेरा इस मीटिंग के लिए मैंने माइंडसेट पहले से बना के रखे थे, चाहे कुछ भी हो जाते तो मैं आज मीटिंग में जरूर प्रेजेंट होते, बिकॉज दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। जैसे कि आप सोचिए कि कभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के बाहर जाना है, कभी अर्ली मॉर्निंग को फ्लाइट पकड़ के बाहर जाना है और मेरे को, हमको रात को सोने का टाइम में मेरे को 4 बजे उठना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, अगर
मेरा मेरा माइंडसेट रात को हो जाते हैं, रात को मतलब 10 बजे जब सोने जाते हैं, तब अगर हम लोग सोच लेते हैं कि मेरे को कल सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे उठ के मेरे को अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट पकड़ना है, तो इसके लिए अलार्म का जरूरत नहीं होता है दोस्त। इसके लिए अगर हम लोग ऐसा सोच के माइंडसेट बना के सोते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को इसको बिठा देते हैं, तो आप विदाउट अलार्म आपको 4:10 पहले आपको आपका नींद टूट जाएगा और उठ जाओगे। इसको बोलते हैं माइंड सेट। सो माइंड सेट अगर हम लोग बना लेते हैं, इस माई लाइफ स्टाइल डायरेक्शनिंग इंडस्ट्री में अगर हमको बड़ा लेवल पे पहुंचना है, बड़ा लेवल पे पहुंचना है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारा ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा जो बात, मैंने इसीलिए बार वर्ड को यूज कर रहा हूँ माइंड सेट। अगर एक ही वर्ड इसके कारण हम लोग आज नट्टू भाई पटेल से डायमंड बना, आज हरीश शेट्टी सर ने डायमंड बना, कितना सारा आईटीसी आप लोग का ग्रुप में, बहुत सारा, जैसे कि यश पटेल सर से बात कर रहा हूँ, इज ऑल्सो आईटीसी एंड प्लैटिनम, आरडी पटेल सर इज ऑल्सो आईटीसी एंड प्लैटिनम, ये सब अपकमिंग डायमंड्स है, ठीक है, शशांक सेट्टीगर सर जो अपकमिंग डायमंड है, तो आप आज सब लोग, जैसे कि आज हम इन लोग का बहुत बड़ा बड़ा माइंड सेट थे, तो आज मैंने वो माइंड सेट के ऊपर ही बात करूंगा। और आप लोग को बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं डायमंड हूँ, तो ये प्रूव होते हैं डायमंड होने के लिए बहुत बड़ा स्पीकर होने का जरूरत नहीं है। अगर मैं डायमंड बन सकता हूँ तो आप सब डायमंड बन सकते हो। और आज का जो मतलब मौसम चल रहा है, जो कोरोना का मौसम चल रहा है, जिसके कारण आज बिजनेस और भी इजी हो गया, बिजनेस किसी का डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, जो बिजनेस से पहले मतलब कोरोना से पहले जिसका बिजनेस एक्चुअली लॉकडाउन था, उसका बिजनेस आफ्टर कोरोना शायद बहुत लोगों का बिजनेस अनलॉक हो गया, बिकॉज आज बिजनेस बहुत इजी हो गया। इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं डायमंड बन सकता हूँ तो आप लोग सब डायमंड बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आगे जाऊंगा, सो आज वापस बताऊंगा, टुडे सेशन इज द माइंड सेट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। अगर माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावर, अगर हम लोग अपना माइंड सेट को ताकत बनाते हैं, अपना माइंड सेट को स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनाते हैं, तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है आपका साथ, अगर अपलाइन साथ दे या ना दे, एक अच्छा कंपनी अगर आपका साथ है, अगर आपका अपलाइन आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है कि कम सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और ये माइंडसेट आपका डायमंड के लिए बन गया है, तो दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है दोस्त जो आपको डायमंड बनने के लिए रोक सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबको बताना चाहूंगा, हम लोग अपना अपना साउंड को थोड़ा म्यूट करके रखेंगे, और अपना वीडियोस जो जूम में है उसको, मतलब बहुत सारे लोग वीडियोस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मैं बोलूंगा अगर हो सकता है आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, थोड़ा देखिए, बिकॉज आज हम लोग स्क्रीन में जो बातें करेंगे, कुछ कुछ स्पेशली बातें करेंगे डायमंड होने का रास्ता, कैसे आप डायमंड बन सकते हो, कौन सा माइंडसेट लेके हम लोग काम करने का बाद हम लोग डायमंड बन सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बात करेंगे। और जो लोग कुछ लोग यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, आप लोग को स्पेशली बोलेंगे, आप लोग जो जिधर पे हैं, जैसे आर डी पटेल सर ने बोला कि आप लोग थोड़ा मतलब कुछ लोग सोते हुए देख रहे हैं, कुछ लोग विदाउट ड्रेस कोड, थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनली बैठिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेशन इन आवर लाइफ, बहुत बेहतरीन, हम लोग सब लकी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन हम लोग सब आ गया, तो हम लोग सब जो जिधर पे देख रहा है, जो जिधर जिस कंडीशन में, चाहे लॉकडाउन में है, कंटेनमेंट जोन में है, रेड जोन में है, ग्रीन जोन, कोई भी जोन में हम लोग बैठे हैं, बट हम लोग अपना अपना घर में सब सुरक्षित है, और हम लोग उसी लेवल पे बैठ के यूट्यूब में देख रहे हैं। तो ये यूट्यूब एंड जूम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड जूम, कुछ लोग जूम में है, कुछ लोग यूट्यूब में है। जूम मतलब क्या होता है, जो लाइव, सोचिए कि मार्ट में एक ग्राउंड में गेम्स हो रहा है, मतलब क्रिकेट आईपीएल चल रहा है, तो जो लोग मार्ट में बैठ के गेम देख रहे हैं वो है जूम वाला, और जो लोग मतलब दोनों का प्लस माइनस ठीक है, दोनों का प्लस माइनस साइड है, कुछ लोग मार्ट में ग्राउंड में बैठ के गेम्स देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, वो है जूम, और कुछ लोग घर में पंखा चला के एसी ऑन करके आराम में सोफा में बैठ के, ठीक है ना, तो वो देख रहा है, ये होता है यूट्यूब, मतलब दोनों लाइव देख रहे हो आप लोग, बट जो जिधर पे हो आप लोग, आप आज का सेशन आने वाला 1 से 1.5 घंटा मेरे साथ रहिएगा, हो सकता है कि आप लोग का जिंदगी बदल सकता है, बिकॉज आई नो दैट आप लोग का टीम में बहुत बहुत ज्यादा सेशन होते हैं, नट्टू भाई पटेल सर, हरीश शेट्टीगढ़ सर और ऑल द टॉप लीडर्स बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं टीम में, हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, और नट्टू भाई पटेल सर, हरीश शेट्टीगढ़ सर से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, हम लोग रेगुलरली बातें करते रहते हैं। आप लोग यू आर सो लकी दैट यू बिलोंग्स टू हारमोनी ग्रुप, आप लोग का वन ऑफ द टॉप बेस्ट टीम अक्रॉस द कंट्री इन माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आगे जाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको तहे दिल से वेलकम करूंगा, ऑल द वीवीआईपीज एंड फ्यूचर स्टार्स, आज हारमोनी ग्रुप का मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम लोग चाहे कुछ भी टीम बिलोंग करे, गोल्डन सॉल्यूशन, हारमोनी ग्रुप, हम लोग सब एक ही परिवार है, माई लाइफ स्टाइल परिवार, और प्रवीण सर ने स्पेशली अपना जो मेंटर है सर का नाम ही ले लिया, और आज अपना कंपनी का जो हमारा जो सबका जो मेंटर है सर ने एक ही बात बोला है, पूरा हिंदुस्तान, बोलता है सुरंजन ऑल ओवर इंडिया,
हर एक डिस्ट्रीब्यूटर माय लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर हम सबका है, तो हम कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर किधर पे भी कोई भी तकलीफ में हम लोग को सब आज 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 आप लोग का टीम अगर कोलकाता में होते हैं तो हम लोग कोई भी तकलीफ है हम लोग देखभाल करेंगे, हमारा टीम उधर पे जाएगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो मैं तहे दिल से सबको वेलकम करूंगा इन द वंडरफुल आज का वंडरफुल ग्रेट सेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने अपना जो मेन पिलर्स है, जो मेन पिलर्स जो हमारा साथ जुड़ा हुआ है, जो ऑल द टीम कोऑर्डिनेटर्स, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर्स, जोनल टीम कोऑर्डिनेटर्स, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर्स, ऑल द आरटीसीज जो हमारा मतलब बहुत मेहनत करके इस रैंक पे आए हैं, ऑल द नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर्स, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर्स एंड इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर्स, और साथ में हमारा जो प्लस रैंक्स है। प्लस रैंक्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक तो फ्रेंड होता है बेस्ट फ्रेंड, और दूसरा और एक फ्रेंड हम लोग बोलते हैं कि दूसरा गर्लफ्रेंड, नहीं तो बोल सकते हैं कि एक दूसरा फ्रेंड, कुछ भी बोलो आप। हमारा पास एक दो 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 फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त, आप दो फैमिली मेंबर लेके चल सकते हो आप। तो हमारा जो प्लस रैंक, कुछ लोग स्टार सिल्वर है, कुछ लोग स्टार जो रैंक इनकम का मजा ले रहे हैं, परफॉर्मेंस बोनस का मजा ले रहे हैं, जो लॉयल्टी इनकम का लॉयल्टी बोनस का मजा ले रहे हैं, तो ये सब लोग एमराल्ड गोल्ड एंड प्लैटिनम जो फ्यूचर डायमंड्स है, इस सब लोग मैं तहे दिल से वेलकम करूंगा, नमन करूंगा फॉर दिस टुडे सेशन माय डियर फ्रेंड्स। उसके साथ आज हमारा इंडिया शॉपी एंड पीयूसी ओनर्स इस पेंडेमिक कंडीशंस में इतना सपोर्ट किया हम लोगों को, इसके कारण आज बहुत बहुत कंपनी जो सोच नहीं सकते हैं, बहुत अदर कंपनीज लोग जो सोच नहीं सकते हैं, हम लोग इस लॉकडाउन बोलिए, पेंडेमिक बोलिए, कोरोना बोलिए, जिसके कारण आज हम लोग अपना बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए सारे पीयूसी ओनर्स, ऑल द इंडिया शॉपी ओनर्स को मैं तहे दिल से वेलकम करूंगा, नमन करूंगा, और हम लोग जो जिधर पे हैं, इस सब वीवीआईपीज को स्पेशली हम लोग चाहेंगे कि आप अपना दिल से एक रिस्पेक्ट रिगार्ड्स दे माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मेरा सेशन है माइंडसेट, बट माइंडसेट पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। आज हमारा जो पेंडेमिक कंडीशन चल रहा है, कोविड, जो हम लोग इससे पहले कभी नहीं देखे थे, व्हाट इज कोविड, कोरोना वायरस। तो आज पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड में 3I और 2I चल रहा है। व्हाट इज 3I? तीन प्रॉब्लम चल रहे हैं, तीन इनसिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी, सेकेंड इज हेल्थ इनसिक्योरिटी एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। ये तीन इनसिक्योरिटी पे हम लोग सब जा रहे हैं, और ये तीन इनसिक्योरिटी के कारण हमारा 2I डेवलप हो गया। व्हाट इज 2I? 3I के कारण 2I डेवलप हुआ। 2I क्या है? इम्यूनिटी और इनकम। आज हम लोग ये दो लेवल पे सब इनसिक्योर बन गया, बिकॉज ऑफ सोशल हेल्थ एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ कोविड। इसके कारण लॉकडाउन हो गया, ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है, लॉकडाउन हो गया। अभी भी कुछ कुछ जगह पे लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कुछ जगह पे पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कंटेनमेंट जोन चल रहा है, कुछ रेड जोन चल रहा है, बट फिर भी हमारा देश का स्टेट गवर्नमेंट बोलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, दिस पीपल आर मतलब ट्रिमेंडस वॉकिंग एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। अपना डॉक्टर्स, ऑल द कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर्स, मीडिया, पुलिस, दिस ऑल पीपल आर वॉकिंग ट्रिमेंडसली। आज इसके पीछे सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज हम लोग जो कॉमन पीपल हैं इन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तीन तीन जो मेजर इश्यूज हैं, सोशल इनसिक्योरिटी, हेल्थ इनसिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, तीन इनसिक्योरिटी का कारण सब हम लोग सबको मालूम है, और नया नया वर्ड हम लोग सीख गया इसके पीछे, कोविड, क्वारंटीन, आइसोलेशन, कोमॉर्बिडिटी, दैट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू टर्म्स जो लाइफ में हम लोग पास्ट में कभी नहीं सुने थे। तो आज इसके कारण हमारा पास दो इश्यूज आ गया। चलिए आज हम लोग इस इम्यूनिटी और इनकम, इस फेज में जो पूरा हिंदुस्तान टेंशन पे है, उसके ऊपर बात करेंगे, और ऐसा माइंडसेट लेके आज माइंडसेट बनाएंगे जो जिसके कारण चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग अभी भी कोरोना से डरे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी कोरोना से डर रहे हैं, बहुत लोग डर रहे हैं कोरोना से, टेवन से डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं, फ्यूचर में भी डरेगा, बिकॉज डर उसी लोगों को होते हैं जिसका घर में बहुत पैसा मौजूद है, डर उसी लोगों को होते हैं जिसका घर में बहुत सारा फूड्स मौजूद है। जिसका घर में फूड्स और पैसा नहीं है ना, उन लोग का डर नहीं होते हैं। आप देखिए आपका घर का गली का कोने में हर सुबह ठेला गाड़ी लेके जो फ्रूट सेलर, सब्जी बेचने वाला, वो लोग मार्च से लेके, जब से लॉकडाउन शुरू तब से लेके उन लोग खड़ा है, और उन लोग हम लोग को सर्विस दे रहे हैं, उन लोग का डर नहीं है, बिकॉज उन लोग का घर में ना तो पैसा है, ना तो उन लोग का घर में बहुत सारा फूड्स मौजूद है। इसीलिए आप लोग को बताना चाहूंगा, ये कोरोना से डरने वाला चीज नहीं है, बिकॉज हम लोग सब माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और ये डरने वाला चीज नहीं है। इससे पहले भी सार्स आए, मार्स आए, ऐसा बहुत सारा मतलब बहुत सारा महामारी आए, ऐसा पहली बार नहीं है। ये पहली बार हम लोग कोविड का नाम सुन रहे हैं, एक कोविड कोरोना वायरस का नाम सुन रहे हैं, बट इसके पहले भी बहुत कुछ आए हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर भारत देश का बात करेंगे, 130 करोड़ आबादी में करीबन आज 12 लाख लोग अफेक्टेड है, उसमें से 8 लाख लोग ऑलरेडी क्योर होकर घर चला गया है। आज प्रेजेंट सीनियर बता रहा हूँ, 12 लाख 12 लाख पीपल ऑलरेडी अफेक्टेड,
बाय द कोविड, आज उसमें से 8 लाख लोग का ऑलरेडी क्योर हो गया। और ये अगर ये परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे 12 लाख को 130 करोड़ आबादी का सर परसेंटेज में लेके आएंगे तो करीबन करीबन 0.09% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज बीन अफेक्टेड विद इट वायरस। एंड सबसे बड़ा बात, 8 लाख लोग ऑलरेडी क्योर हो गया बट 29,000 लोगों का आज डेथ हो गया इसके कारण से। और इसके पीछे नॉट ओनली फॉर कोरोना वायरस, बहुत सारा अदर डिजीज भी थे, अदर जैसे कि किसी का डायलिसिस चल रहा था, किसी का बहुत डायबिटीज है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, अदर डिजीज भी होते थे, इसीलिए उसका कारण उसका डेथ हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसका भी परसेंटेज देखेंगे 0.02% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इससे कहीं गुना ज्यादा डेथ होते हैं हमारा रोड एक्सीडेंट में, बिकॉज ईच एंड एवरी 4 मिनट भारत देश में एक लोगों का डेथ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताना चाहूंगा, तो कोरोना डॉट से बहुत लोग डर रहे हैं और हर एवरी टाइम उसको ऑफिस भी निकलना पड़ता है, काम में भी निकलना पड़ता है, लेकिन ऑल टाइम डरते हैं मेरे को कोरोना हो जाएगा। इसके कारण ये डरते डरते अगर आप रोड क्रॉस करने का टाइम है, डर के हम लोग रोड क्रॉस करेंगे तो उसके भी भयानक चांस है रोड एक्सीडेंट का। तो डोंट बी गेट अफ्रेड, बिकॉज हम लोग कोरोना से डर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा डेथ होते हैं रोड एक्सीडेंट पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग माय लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम लोग बहुत मतलब ऑल लीडर्स, माय लाइफ का लीडर्स लोग आज मेरा बात सुन रहे हो, आप सबको बताना चाहूंगा कि हम लोग कोई भी सिचुएशन में अपने आप को चेंज करने के लिए माइंडसेट कर लिया है और आज वही माइंडसेट लेके आगे जाएंगे, देखेंगे कोरोना वायरस का साथ क्या हो सकते हैं और ऐसा कौन सा माइंडसेट लेके चलेंगे जो इस वॉर में हम लोग जीत सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 इज अ प्रेजेंट टेम्पररी हेल्थ इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब which will create a permanent problems for many. बहुत लोगों का permanent problems हो जाएगा, ये temporary problem है। आज पूरा world में, पूरा globe में जो COVID-19 चल रहा है, ये present temporary health issues चल रहा है, but ये बहुत जल्दी हो जाएगा ठीक, because हम लोग को सुनाई दे रहा है कि already vaccination का research complete हो गया, trial complete हो गया, कुछ vaccine December January के अंदर अपना देश में आ रहा है, तो बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और ये वैक्सीन नहीं भी आएगा फिर भी हमारा बॉडी में इम्यूनिटी डेवलपमेंट कर रहा है, हमारा बॉडी में जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट कर रहा है, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको हम लोग ओवरकम, इससे पहले भी बहुत पहले भी ट्यूबरकुलोसिस आए थे, बहुत सारा अदर डिजीज भी आए थे, हम लोग ठीक हो गए, बट ये टेम्पररी है, बट इसके कारण बहुत बड़ा लेवल का प्रॉब्लम बहुत बहुत जल्दी आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन जो अभी भी चल रहा है कुछ कुछ जगह पे, इट मे बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट दिस मे कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, ये बहुत लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा हमको मालूम नहीं, ये गवर्नमेंट कैसे इसको सॉल्यूशन करेगा, बिकॉज उन लोग भी इंसान है, गवर्नमेंट ऐसा कोई भगवान नहीं है कि कुछ भी कर सॉल्यूशन कर लेगा, बट ये कब तक चलेगा, बट इट मे कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, बट क्या करेंगे हम लोग, ऐसा लॉकडाउन चलते रहेंगे, हम लोग घर बैठे बैठे क्या करेंगे, बहुत लोग डर रहे हैं, बहुत लोग क्या करेंगे, वट शुड वी डू, ऐसा लॉकडाउन चलेंगे, ऐसा कोविड चलेंगे, क्या करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं चलो एंजॉय लगाते हैं, वट आर आवर ऑप्शंस, ऑप्शन क्या है, एंजॉय हॉलीडेज लाइक हनीमून, घर में बैठ के हनीमून मना रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं घर में बैठ के हनीमून मना रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हनीमून जो वर्ड है ना, लाइफ में एक ही बार आना चाहिए, बिकॉज जो लोग शादीशुदा है ना उसका लाइफ में आफ्टर मैरिज एक हनीमून आते हैं, तो ये पूरा जिंदगी में बार बार जिसको जिसका लाइफ में हनीमून आता है ना उसका लाइफ सभी स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये एक ऑप्शन होते हैं हमारे पास, क्या ये ऐसा लॉकडाउन चलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंजॉय हॉलीडेज लाइक हनीमून, सेकंड वेट फॉर द नॉर्मल डेज, जब नॉर्मल होगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे काम, तब अपना लेवल पे काम शुरू करेंगे, ये भी एक ऑप्शन होता है ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन, कुछ लोग घर में बैठे रो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, डर रहा है क्या करेंगे, कुछ लोग का नौकरी जा रहा है, कुछ लोग तो सुसाइड भी करने का सोच रहा है, कुछ लोग सुसाइड भी करने का सोच रहा है कि मैं जिंदगी और क्या करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, 12-15 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया, तो लोग सोच रहे हैं, बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो गया, इनकम डाउन हो गया, लोग सोच रहे हैं घर बैठे बैठे रो रहा है, कोई सोल्यूशन अपने हाथ पे नहीं है, बट माई डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, और मेक ए पावरफुल माइंड सेट, ये सब हमारे पास ऑप्शन, इजी ऑप्शन मैंने पहले बताया 1-2-3 इजी ऑप्शन, बहुत लोग ऐसे ऑप्शन पे जा रहे हैं इजी ऑप्शन, लोग फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, और मेक ए पावरफुल माइंड सेट To win the war, ऐसा mindset बनाएंगे जब कुछ भी आ जाएंगे जो जिसके कारण हम लोग इस वॉर में जीत सकते हैं। To win any war, we need a perfect strategy. अगर हमारा पास एक perfect strategy होता है ना, तो हम लोग कोई भी वॉर जीत, छोटा सा टीम भी जीत सकते हैं अगर उसका परफेक्ट स्ट्रेटेजी होता है। तो परफेक्ट स्ट्रेटेजी तब बनता है जब हम लोग माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हमारा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो
तो लाइफ में कभी परफेक्ट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी उसी लोग को आते हैं जिसका जिसका माइंड सेट स्ट्रांग होते हैं, और जिसका माइंड सेट स्ट्रांग नहीं है, माइंड सेट मतलब वो उसका कमिटेड गोल नहीं आते हैं, उसका उसका पर्पस नहीं बनते हैं, और वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग एक्शन ये सब बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कोई भी वॉर्ड जीतने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी का जरूरत होते हैं, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी का जरूरत होता है। और वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी लेने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप सब एक परफेक्ट माइंडसेट पे आइए। अगर परफेक्ट माइंडसेट पे आएंगे ना, इस बिजनेस हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, बहुत सारा लोग बिजनेस शुरू करने के बाद छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों को पूछता हूं, भाई आप छोड़ने वाले थे तो शुरू क्यों किया? अगर अगर शुरू का टाइम में जिन लोग का वाई क्लियर नहीं होता है ना, इसीलिए उन लोग जल्दी छोड़ देते हैं। जिसका वाई क्लियर है उन लोग का इजी, मतलब उन लोग बिजनेस बहुत इजीली कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये परफेक्ट स्ट्रेटजी के लिए हम लोग एक परफेक्ट माइंडसेट में जाएंगे। उससे पहले कुछ माइंडसेट जाने से पहले आज कोविड का कुछ कुछ बातें मैं करूंगा, थोड़ा 10-15 मिनट बातें करूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी पे जाऊंगा। आवर वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट फ्यू मंथ्स। अब हम लोग सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपना अपना जो दुनिया है, अपना जो वर्ल्ड है, बहुत लेवल पे चेंज हो गया, जो पहले नहीं था। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग दुनिया में बेस्ट, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम लोग इंसान हैं, हम लोग बेस्ट, बहुत घमंड था हमारा बीच में, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत घमंड था। शायद ऊपर वाला खुदा जीशु भगवान अल्लाह ने बोला, भाई 0.06 माइक्रोन का एक वायरस, 0.06 माइक्रोन का एक वायरस, ये हम लोग को दिखा दिया कि हम लोग जो जितना घमंड पे थे ना, वो घमंड इतना अच्छा नहीं है। पूरा इंसान को दिखा दिया, पूरा वर्ल्ड को दिखा दिया कि आप लोग को चेंज करना जरूरी है। और इसके कारण पिछले फ्यू मंथ्स में हम लोग अपना लाइफ में कुछ चेंज लेके आए। क्या क्या चेंज लेके आए पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इंटरेक्शन, हम लोग अभी सोशल इंटरेक्शन हम लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अभी कोरोना चला भी जाएगा ना, कोरोना 6 महीने बाद चला भी जाएगा, फिर भी आने वाला 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हम लोग ऐसा सोशल इंटरेक्शन करते रहेंगे, बिकॉज ये हमारा एक हैबिट बन गया। हम लोग कभी भी बड़ा लेवल पे कोई भी मीटिंग सेमिनार, बड़ा बड़ा फंक्शन, बड़ा बड़ा गेट टूगेदर पार्टीज, इसमें जाने का टाइम एक बार एटलीस्ट सोचेंगे हम लोग को सोशल इंटरेक्शन मेंटेन। ये वर्ल्ड का चेंजेस है। और क्या वर्क स्टाइल, इससे पहले जब हम लोग बोलते थे वर्क फ्रॉम होम, लोग हंसते थे, कुछ लोग बोलते थे वर्क फ्रॉम होम, लोग हम लोग वर्क फ्रॉम एक होते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम होता है क्या? आज पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया, आज लोग सोचते हैं भाई वर्क स्टाइल वर्क फ्रॉम होम। हम लोग सब बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा ऑफिसेस आर वर्किंग, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। आज वर्क स्टाइल भी वर्ल्ड का चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम। फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोग पहले सोच नहीं रहे थे, लोग सोचते कि भाई अच्छा पढ़ाई करके नौकरी करेंगे, और ये सब एंटरप्रेन्योरशिप वाला जॉब, जब इससे पहले भी हम लोग बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफ प्लान दिखाते थे, बोलते सब हमको नहीं होगा। अभी लोग बाई डिफॉल्ट बेमजबूर में फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप पे आने लगेंगे, बिकॉज लोग का ईएमआईज है, सब लोगों का एक्सपेंसेस है, सबका इनकम डाउन होने वाला है, लोग को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडेड करना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड का नया चेंजेस है। उसका साथ इंटरनेट यूजेज बहुत बढ़ गया है। जो लोग इंटरनेट यूज नहीं करते थे, अपना फोन में जैसे ओनली फोन में बातें करते थे, अभी उन लोग भी फोन में इंटरनेट डाटा लेने लगे। जो लोग 1 GB यूज करते थे, अभी 3 GB 4 GB 5 GB 10 GB सब अपना अपना प्लान बढ़ा रहा है, बिकॉज इंटरनेट यूजेज बहुत बढ़ रहा है। हेल्थ कॉन्शियसनेस को मैंने ग्रीन किया, वाई? बिकॉज ये अपना सब्जेक्ट है। सब लोगों का हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया है। जो लोग पहले सोचते ही नहीं थे क्या खाएंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे, कैसे लाइफ को आगे लेके जाएंगे, हेल्थ के ऊपर अभी हम लोग सोचते ही नहीं थे, आज हर लोग छोटा छोटा चीज के लिए सोच रहा है। किसी का खांसी हो रहा है तुरंत दवाई ले रहा है, किसी का कुछ भी हो रहा है तुरंत दवाई ले रहा है, सोच रहा है भाई मेरे को आज ठीक करना है। ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा चेंजेस है, जो आज इससे पहले हम लोग कुछ लोग सोच नहीं सकते थे। ये हेल्थ कॉन्शियसनेस में आज हम लोग ध्यान दें, लेस पोल्यूशन। हम लोग सब आज नोटिस कर रहे हैं कि हमारा दुनिया में, वर्ल्ड में, अपना कंट्री में पोल्यूशन बहुत लेस हो गया। क्लीन वाटर्स, क्लीन ग्रीन, मतलब क्लीन ब्लू स्काइज। आज अर्ली मॉर्निंग में मतलब जो बर्ड्स आर फ्लाइंग, ग्रीन ट्रीज, बहुत दूर दूर तक हम लोग अपना छत से देख सकते हैं सीनरी, बिकॉज पोल्यूशन डाउन हो गया, बिकॉज बहुत सारा गाड़ी रास्ते में नहीं चल रहा है, इसीलिए पोल्यूशन बहुत सारा फैक्ट्रीज बंद है, तो पोल्यूशन बहुत लेस हो गया। ये वर्ल्ड का चेंजेस है। फैमिली टाइम बहुत बड़ा बात, बिकॉज फैमिली टाइम को हम लोग दे ही नहीं सकते थे, बिकॉज मेरा पर्सनल बात कर रहा हूँ, जो ऑल टॉप लीडर्स एनटीसी आईटीसी डायमंड्स ये सब लोग का जो बात है, इन लोग इधर पे पहुंचते हैं, बिकॉज ये लोग बहुत भरपूर करते हैं टीम डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैं हर महीने का 20-25 दिन ट्रैवल करते थे, मेरा जो छोटा एक 10 साल का मेरा बेटा है, और मेरा मतलब बीवी, मम्मी पापा, ये सब लोग मेरे को मिल नहीं पाते थे, बिकॉज एवरी डे आई एम ट्रैवलिंग सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट में घूमते रहते थे। आज हम लोग बहुत ज्यादा टाइम फैमिली को दे रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम लोग घर में टाइम दे रहे हैं, फैमिली को साथ
बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी वर्ल्ड का चेंजेस है, ये भी सोचना सोचने वाला बात है माय डियर फ्रेंड्स. एक्सपेंस ड्रॉप्ड, आज जो हमारा एक्सपेंस है ना वो भी बहुत सारा ड्रॉप हो गया, बिकॉज हम लोग बहुत सारा शॉपिंग मॉल नहीं जा रहा है, मतलब हम लोग लक्जरी लाइफस्टाइल नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं कर रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए डिनर पे नहीं जा रहा है, लंच में नहीं निकल रहा है. हमारा जो मतलब टूर्स एंड ट्रेवल्स होते थे, बाहर जाने वाला टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल एक्सपेंसेस, सब कुछ ड्रॉप हो गया, बिकॉज ये भी वर्ल्ड का बहुत बड़ा चेंजेस है. एजुकेशनल सिस्टम, आज एजुकेशन सिस्टम जो हो गया ऑनलाइन हो गया है, मतलब आज अपना बेटे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उसका हर 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 सुबह सुबह 7 बजे से 12 बजे तक उन लोगों का ऑनलाइन, हर हर स्कूल, नॉट ओनली मेरा बेटा का, हर हर लेवल का एजुकेशन ऑनलाइन में हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, सब चीज, एजुकेशन लेवल भी चेंज हो रहा है. फूड, हम लोग आज बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड खाना छोड़ दिया है, ये भी वर्ल्ड का बहुत बड़ा चेंजेस है. हम लोग बाहर का रास्ते का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, मैक्सिमम खाना हम लोग घर के, घर में मम्मी का बना हुआ खाना, बीवी का बना हुआ खाना, घर का खाना हम लोग खा रहा है, ये भी बहुत बड़ा चेंजेस है वर्ल्ड का. एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट है था वो भी बहुत लेवल पे चेंज हो गया, बिकॉज हम लोग ना तो स्पोर्ट्स देखने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, फील्ड में, ना तो हम लोग मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जा रहा है, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी बहुत लेवल का चेंज हो गया. हम लोग घर बैठे बैठे अमेजोन से लेके मतलब ऑनलाइन जो पोर्ट है उसमें हम लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. तो ये वर्ल्ड का चेंजेस है जो आज हम लोग देख सकते हैं सब, मतलब पिछले फ्यू मंथ्स में हम लोग वर्ल्ड में बहुत सारा चेंजेस लेके आ रहे हैं. दिस आर द ऑल चेंजेस, इससे भी बहुत सारा चेंजेस, बट मेन मेजर पार्ट को मैंने हाईलाइट किया, ये अपना वर्ल्ड का चेंजेस है. तो अभी मैं कुछ प्रिकॉशन बताऊंगा. वाई प्रिकॉशन, बात हम लोग एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं जो मैं अपना टीम में दिया हूं, तो आप लोग का भी वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हो सकता है आप लोग के भी काम आएंगे. तो ये स्ट्रेटेजी, एक अच्छा माइंडसेट लेने के लिए हम लोग को फील्ड में उतरना पड़ेगा, तो छोटा छोटा होम मीटिंग चालू करना पड़ेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी अनलॉक शुरू हो गया. ये जगह पे हम लोग कुछ प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर का बात भी करेंगे, बिकॉज ये सेफ्टी मेजरमेंट का बात करके हम लोग निकलेंगे तो हम लोग का टेंशन नहीं है. तो थोड़ा मैं एक दो मिनट बात करेंगे क्या प्रिकॉशंस लेना है. फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, डोंट ट्राई टू ट्रेवल अब्रॉड इन द कमिंग 1 ईयर, एक साल. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोल रहा है, भारत देश का जो मतलब जो भी मेडिकल टीम्स, डॉक्टर्स, जो रिनाउन डॉक्टर्स लोग का मैसेज मैं दे रहा हूँ, डोंट ईट आउटसाइड फूड, चाहे रेस्टोरेंट हो, स्ट्रीट हो, फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. Avoid marriage functions or any overcrowded social gathering for the next 6 months. मतलब हम लोग को नहीं जाना है कोई भी social gathering में 6 months. Cancel unnecessary tours and travels, जो जरूरत नहीं है उसके लिए हम लोग को unnecessary tours and travels नहीं करना है. Maintain social distancing rules completely and compulsory. तो social distancing हम लोग बता रहे हैं ना, उसको थोड़ा maintain करके हम लोग को काम करना पड़ेगा. Avoid cold and cough people around you. आपका आजू बाजू में कोई खांसी हो रहा है किसी का, कि वो कोई खांस रहा है, किसी का cold and cough हो रहा है, उसको थोड़ा avoid कर लीजिए. Compulsory use, मैंने क्या बताया, quality face mask. तो मतलब mask के ऊपर ज्यादा खर्चा करिए, because अगर hospital में खर्चा नहीं करना है तो हम लोग को थोड़ा, हम लोग 20 रुपए वाला मास्क पर पहन के घूम रहे हैं, ऐसा मत करिए. थोड़ा क्वालिटी फेस मास्क लगा के आउट ऑफ द होम, जब घर के बाहर जाते हैं तो कंपल्सरी यूज क्वालिटी फेस मास्क. नेक्स्ट 1 month इज वेरी वेरी क्रूशियल, so be mentally prepared for this, because आने वाला 1 महीना बहुत ज्यादा हो सकते हैं इसका असर, तो थोड़ा mentally prepare होना जरूरी है. Next 6 months from now, avoid all shopping malls, movies, overcrowded markets, and even try to avoid park and parties. सब जगह पे जाना हमको avoid करना पड़ेगा. Try to build immunity system. इसके लिए हम लोग बहुत सारा मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने का. हमारा जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, प्रॉपर फूड लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा. सबसे बड़ा बात, प्रॉपर स्लीप इज वेरी एसेंशियल आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. अगर हमारा स्लीप अच्छा नहीं होते हैं, हम लोग अगर रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी ग्रो नहीं करेगा. इसलिए रात को जल्दी सो जाएगा, सुबह अर्ली उठ जाएगा, लेकिन रात को 7 से 8 घंटा स्लीप इज वेरी वेरी एसेंशियल टू build your immunity. Barber shops, मतलब सैलून, ब्यूटी पार्लर should be used very carefully. Try to avoid belt ring. हम लोग जो belt पहनते हैं ना, जो ring पहनते हैं, bracelet पहनते हैं, bangles for females, जो हम लोग ornaments लेते हैं, हमारा जो female family members है, उसके लिए बताना चाहूँगा, हम लोग जब बाहर जाएंगे इस सब चीज को थोड़ा घर में रख के जाना अच्छा है. Belt, ring, bracelet, because all these all are dead cells और dead चीज के ऊपर ये कोरोना ज्यादा आके बैठ जाते हैं, तो और ये ज्यादा कैरी होते हैं. बेल्ट, रिंग, ब्रेसलेट, बंजल्स, वॉच एंड अदर ज्वेलरीज, ये सब घर पे छोड़ के जाइएगा, बिकॉज हम लोग तो मोबाइल कैनॉट बी अवॉइडेड. मोबाइल लेके जाएंगे और टाइम कैन बी सीन इन मोबाइल, हम लोग वॉच भी नहीं यूज करेंगे, बिकॉज टाइम कैन बी सीन इन मोबाइल,
but mobile cannot be avoided. So my dear friends, no handkerchief in hand. आपका पॉकेट में हैंड पे हैंडकरचीज नहीं होना चाहिए, बट क्वालिटी वापस बताऊंगा, क्वालिटी हैंड सैनिटाइजर, क्वालिटी मास्क, मतलब सस्ता वाला हैंड सैनिटाइजर मत यूज करिएगा, क्वालिटी हैंड सैनिटाइजर इन द पॉकेट मस्ट बी कंपलसरी एंड यूज हैंड वॉश रिपीटेडली, बार बार हैंड वॉश करिएगा. डोंट ब्रिंग योर शूज इनसाइड योर होम, बाहर से आने के बाद घर के अंदर शूज मत लेके आइए, बाहर रख दीजिए, कीप आउटसाइड ऑफ योर होम. इफ यू कम विथ एनी डाउटफुल पर्सन, अगर आपको लगता है कोई भी डाउटफुल पर्सन के पास आप आज थे, तो घर में आके थोड़ा स्पेशलिस्ट मतलब थोड़ा वार्म वाटर से बात लीजिए, और थोड़ा घर में रहिएगा, थोड़ा खुद को आइसोलेशन में रखिएगा, और स्टीम इनहेलेशन 3 से 4 बार दिन में लीजिएगा. तो ये सब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम लोग जब माइंडसेट लेंगे, और कोविड हम लोग को कुछ नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज हमारा साथ बहुत जबरदस्त जबरदस्त हमारा साथ प्रोडक्ट्स हैं, और हम लोग माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और ऐसा कुछ प्रिकॉशंस लेके हम लोग निकलेंगे, ऐसा प्रिकॉशंस लेके हम लोग निकलेंगे, तो हम लोग अपना लाइफ में कोविड रहे या ना रहे हमारा कुछ भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स. वैक्सीन आए या ना आए हम लोग इसको लेके चल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. इससे पहले लाइफ में हम लोग कभी भी कोरोना नहीं देखा, इससे पहले लाइफ में हम लोग कभी भी लॉकडाउन नहीं देखा, इससे पहले हम लोग लाइफ में कोविड का बात नहीं सुना, बट मतलब हम लोग इससे पहले ये सब बात हम लोग कभी, इसलिए हमारा माइंड में क्वेश्चन चल रहा है. क्या क्वेश्चन? ये पैंडेमिक सिचुएशन का बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ, बिकॉज हमारे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, पास्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं कि ऐसा कोई लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, ऐसा कोई कोरोना वायरस आया और हम लोग लॉकडाउन में चला गया, और हम लोग को मालूम नहीं क्या होने वाला है, गॉड नोस. बट एक चीज बहुत क्लियर है, एक चीज बहुत क्लियर है, क्या होगा हमको पता नहीं ये पंडा, बट एक चीज बहुत क्लियर है, वी विल फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग बहुत लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स इससे पहले जब जब ऐसा महामारी आए, इससे पहले जब जब ऐसे महामारी आए, दो टाइप का प्रॉब्लम हुआ, एक है आकार जिसको हम लोग बोलते हैं भूख, और दूसरा मतलब फूड डेफिशिएंसीज. ये दो चीज सबसे पहले होते हैं देश में, अकाल होते हैं और फूड डेफिशिएंसी होते हैं, बिकॉज इस टाइप का महामारी इससे पहले जब जब 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, इससे पहले भी ऐसे इस टाइप का महामारी आए थे भारत देश में, बट हम लोग को पता है कि इस टाइप का महामारी जब भी आते हैं एक चीज ज्यादा होते हैं, उसका है भूख. जो बहुत सारा गरीब कंट्री में ज्यादा लोगों का भूख का प्रॉब्लम होते हैं बिकॉज फूड डिफिशियंसी आ जाते हैं. मेन रीजन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे मेन रीजन है इकोनॉमी, बट ये इकोनॉमी डाउन होने का पीछे ये जो कोविड और लॉकडाउन है ना, इसके पीछे हमारा पास सॉल्यूशन क्या है, ये तो होने ही वाला है. बहुत बड़ा देश है, बहुत सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बिलोंग करते हैं, गरीब देश है, तो ऐसा सिचुएशन तो आ ही गई, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास. बात करेंगे जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी का मतलब क्या, टोटल द टोटल वैल्यू और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री, जितना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस प्रोडक्शन होते हैं हमारा देश में, जितना प्रोडक्शन होता है उसमें जो सर्विस दिया जाते हैं, टोटल वैल्यू जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं देश का जीडीपी. और ये फिनेंशियल ईयर 2021 में हम लोग आशंका करते हैं, हम लोग डर रहे हैं कि ये जीडीपी डाउन होते होते 0.8% तक पहुंच सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देश का रिनाउंड इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, देश का गवर्नमेंट बोल रहा है, और ये कुछ दिन पहले तक, जो कोविड आने से कुछ दिन पहले तक अपना देश का ये जीडीपी था 4.5-5% था, जो कमते ये 0.8% तक जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपना देश का जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, बिकॉज जो फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा, बहुत इसके लिए सोचना पड़ेगा हमारा साथ ऐसा क्या ऑप्शंस है जिसको लेके हम लोग जिंदगी को आगे लेके जाए. जो लोग नौकरी कर रहे हो, जो लोग अभी भी बिजनेस कर रहे हो, जो लोग अभी भी सोच रहे हो कि भाई डायरेक्ट सेलिंग और इस टाइप का सेकेंडरी बिजनेस इनकम का जरूरत नहीं, उसके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, ऐसा बहुत सारा 14 सेक्टर्स भारत देश में आज बहुत बैड सिचुएशन में, 14 सेक्टर्स का बात मैं करूंगा जो आज बहुत खराब कंडीशन में, बिकॉज ये चीज हम लोग अगर नहीं जानेंगे तो आज हम लोग एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स. अभी भी बहुत लोग के पास लग रहा है कि ऑप्शंस है मेरे पास, बट ऐसा कौन सा सेक्टर्स जो आज बहुत टेंशन में है, मैं हम लोग उसके बात करेंगे. 14 अफेक्टेड सेक्टर आइए चल देखते हैं. फोर्थ सेक्टर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भारत देश का जो जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं एमएसएमई सेक्टर. उसमें क्या आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आते हैं, लेदर इंडस्ट्री आते हैं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग आती है, आज फर्नीचर आते हैं, पोल्ट्रीज आते हैं, बहुत सारा फूड्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज जो एमएसएमई में आते हैं वो सीवियरली डैमेज होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स. इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ द कंट्री, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, जिसका
30% ऑफ द इंडियन जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं आज, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ लास्ट 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, बिकॉज ऑफ ये सब कारण के वजह से आज भारत देश का जो 30% इंडिया का इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो जो सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर, ये सीवियरली डैमेज होने वाला है माय डियर फ्रेंड, सीवियरली डैमेज। सेकंड आएंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। ये हॉस्पिटलिटी क्या होता है, जो हमको सर्विस देते हैं, जैसे 5 स्टार होटल में गया तो उधर से हमको सर्विस मिलते हैं, होटल टूरिज्म। इसके जो मेन फादर है उसको बोलते हैं फेथ, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। एज पर द फेथ जो फेथ बता रहा है, जब जब इस टाइप का महामारी आए पूरा वर्ल्ड में, जब जब इस टाइप का महामारी इससे पहले भी आए, ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सबसे पहले बंद होते हैं, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं सबसे बाद जाके खोलते हैं। ये ऐसा एक इंडस्ट्री है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। इसके साथ एज पर द फेथ बता रहा है करीबन 53,000 ट्रैवल एजेंट्स, करीबन 1,15,000 टूर ऑपरेटर्स, करीबन 15,000 एडवेंचर्स, 9,11,000 टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स, करीबन 53,000 हॉस्पिटलिटी, करीबन 5,00,000 रेस्टोरेंट्स जो आज बहुत तकलीफ में है, करीबन ये सब के पीछे करीबन 3.8 से लेके 4 करोड़ लोग आज जॉबलेस होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस मतलब मैंने जो परेशान खान बताया आपको, इसके कारण आज 3.8 से लेके 4 करोड़ लोग आज जॉब जिसका जॉब जा सकता है माय डियर। एज पर द केपीएमजी रिपोर्ट, 2018-19 में ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री भारत देश में करीबन 10 करोड़ बिलियन यूएस डॉलर जो फॉरेन टूरिस्ट के साथ हमारे देश में आए थे, उसके लिए हमारे देश में ये रेवेन्यू जनरेट हुआ था। करीबन 50,00,000 NRIs जो भारत देश में घूमने के लिए आए थे, करीबन 1.8 बिलियन नेशनल टूरिस्ट जो भारत देश में टूरिज्म हॉस्पिटल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया था, और करीबन 2.6 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट जो इसके पीछे हम लोग को देश में हम लोग को कंट्रीब्यूट किया। मैं बताना चाहूंगा एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, जो आज फ्लाइट इसके भी करीबन 5,00,000 करोड़ इसके पीछे नुकसान होने वाला है। एज फॉर द सेंट्रल एविएशन कापा का रिपोर्ट बता रहा है, इसके पीछे बहुत सारा फ्लाइट, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड बहुत सारा एविएशन कंपनीज, बहुत सारा इंटरनेशनल फ्लाइट कंपनीज, इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री, बहुत सारा कंपनीज बंद होने वाला है, और बहुत सारा कंपनी ऑलरेडी खुद को देवलिया घोषित कर दिया, बिकॉज उन लोग अपने लोगों को पैसा दे नहीं पा रहा है, सैलरी दे नहीं पा रहा है। तो एज पर द कापा रिपोर्ट लॉस विल बी अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीज एंड नियर बाई 4-5 करोड़ पीपल विल गोइंग टू लॉस देयर जॉब। ये लोग लॉस में जा सकते हैं, ये लोग अपना अपना जॉब खो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब बताऊंगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये बहुत भारत देश का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, नॉट ओनली भारत देश का पूरा वर्ल्ड का। बट जब कोविड आया, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मिलके इसको पहले शटडाउन कर दिया, और इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा स्मॉल सेक्टर्स जो छोटा छोटा मशीनरीज बनाते हैं, जो छोटा छोटा अपना अपना गाँव में छोटा छोटा फैक्ट्री बना के, छोटा छोटा मशीन पार्ट्स बना के, और वो मशीन पार्ट्स ये बड़ा बड़ा कंपनी को सप्लाई करते हैं। Because of this reason, ये छोटा छोटा स्मॉल स्केल सेक्टर भी बंद हो गया, बड़ा सेक्टर भी बंद हो गया, और इसके पीछे भी कितना लाखों करोड़ रुपया अपना देश में नुकसान में चला गया। अभी आएंगे सबसे प्यारा रियल एस्टेट सेक्टर। अब ये रियल एस्टेट सेक्टर का बात करेंगे, पिछले 4 महीने में इतना नुकसान हुआ है, जो लास्ट पिछले 100 साल में रियल एस्टेट एरिया में इतना नुकसान नहीं हुआ है। चाहे हाउसिंग सेक्टर का बात करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर का बात करेंगे, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करेंगे, चाहे वो लॉन्च प्रॉपर्टीज हो, सेल्स प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो सकते हैं, उसमें आज करीबन इंडियन इकोनॉमी विल सफर अराउंड 6-7 लाख करोड़ बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन माय डियर फ्रेंड्स। अभी आएंगे ऑफलाइन रिटेल इंडस्ट्री, इतना सारा स्पेंसर्स, चाहे बिग बाजार, चाहे मोर, रिलायंस फ्रेश, जो भी है अपना पास, ऐसे बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में मार्ट बना के रखे हैं, ये सब दुकान आज कोई नहीं जा रहा है, बिकॉज बहुत करोड़ों रुपया लगा के ये सब शॉपिंग मॉल बना के ऑफलाइन रिटेल इंडस्ट्री बना के बैठे हैं, जिस जगह पे हम लोग कोई नहीं जा रहा है, बिकॉज क्या होगा हमको पता नहीं। इस सब जगह पे जाने के बाद अगर ये कोविड अपना घर में आ जाएंगे, अब तो हम लोग भी डर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऑफलाइन रिटेल इंडस्ट्री आज भी भारत देश में अगर एक भी रिफ्रेशमेंट बचा है, वो है सिनेमा एंड फिल्म इंडस्ट्री। आज भी घर में आने के बाद छुट्टी का दिन में कोई भी मिडिल क्लास फैमिली बोलिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोलिए, अपर क्लास फैमिली बोलिए, कोई भी लोग थोड़ा रिफ्रेशमेंट के बारे में सोचते हैं, वो लोग मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस कोविड। आज हम लोग ये इंडस्ट्री भी आज बहुत अफेक्टेड इंडस्ट्री में आ गया माय डियर फ्रेंड्स, सिनेमा एंड फिल्म इंडस्ट्री।
रेस्टोरेंट एंड कॉफी शॉप्स, आज हम लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे, कॉफी शॉप में जाके घंटे पे घंटा बात नहीं कर रहे, तो ये भी आज बहुत बहुत तकलीफ वाला इंडस्ट्री में आ गया हमारे फ्रेंड्स। ये इंडस्ट्री के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि जो जो लोग, कितना सारा लोग इस इंडस्ट्री में आज है, हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट एंड कॉफी शॉप्स। इसके बाद लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड गैजेट्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना लग्जरी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं ऑल टाइम, जो जरूरत नहीं भी है वो लोग भी हम लोग पर खरीद लेते हैं, बिकॉज कुछ लोग इसके ऊपर बहुत शौकीन होते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा देख के सोच के समझ के चीज खरीद रहे हैं, जो चीज हमको जरूरत नहीं, हम लोग बेसिक नीड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे कुछ भी सेलिब्रिटीज हो जाए, चाहे कुछ भी अमीर आदमी हो जाए, चाहे भी कुछ भी बड़ा बड़ा वीवीआईपीज हो जाए, बट आज सब लोग एक ही चीज सोच रहा है, भाई मेरा बेसिक नीड को पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो इंडस्ट्री है ये भी थोड़ा तकलीफ में है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेरू, ओला, उबेर, जो भी इस टाइप का कंपनीज है, सोचिए कितना कितना लाखों करोड़ लोग इसमें इसमें इनकम करते हैं, कितना लाखों करोड़ ड्राइवर्स, कितना लाखों करोड़ लोग इस टाइप का इंडस्ट्री में अपना पैसा लगा के, गाड़ी लगा के रखी हैं। तो आज ये इंडस्ट्री भी बहुत डाउन में है, बहुत डाउन में। लाइव स्पोर्ट्स, आप सोच सकते हो लाइव स्पोर्ट्स, आज ये इंडस्ट्री टोटल आईपीएल बंद होकर भरा हुआ है। आज वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कप से लेके एवरी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का लाइफ डिपेंड करता है, वो लाइफ जितना दिन नहीं खेलते हैं। अभी सुनाई दे रहा है कि आईपीएल शायद कतर में होगा, आईपीएल बाहर कंट्रीज में होगा, बट वो लाइव नहीं होगा, मतलब लाइव होगा और गैलरी में कोई भी आदमी नहीं बैठेगा, कोई भी ऑडियंस नहीं बैठेगा। आप सोच सकते हो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बैट लेके फील्ड में उतरते हैं, उसको मोटिवेशन कौन देगा, उसका करियर का क्या होगा। आज मेसी जब फुटबॉल खेलने के लिए उतरेगा, आज रोनाल्डो जब फुटबॉल खेलने के लिए उतरेगा, ग्राउंड में कोई गैलरी में कोई ऑडियंस नहीं बैठे हैं, अब सोच सकते हो इन लोग का करियर में कितना सारा लाखों करोड़ लोग इसके ऊपर डिपेंडेबल है। ये भी आज बहुत इफेक्टेड इंडस्ट्री में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। बताना चाहूंगा लाइव कंसर्ट एंड इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, बहुत सारा मतलब सिंगर इसके साथ जुड़ा हुआ, लाखों लाखों टेक्नीशियंस, सो आज सबका लाइफ आज बहुत प्रॉब्लम में आ गया माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इस टाइप का लाइव कंसर्ट एंड इवेंट्स हम लोग अभी बहुत जल्दी नहीं कर सकते हैं। ये भी आज बहुत प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री में आ गया। फिनेंशियल इन्वेस्टिंग, आप सोच सकते हो फिनेंशियल इन्वेस्टिंग, मतलब आज फिनेंशियल इन्वेस्टिंग की बात अगर करेंगे, मतलब जिसके पास आज इनकम ही नहीं है तो वो कैसे कैसे आज इन्वेस्ट करेगा। हम लोग अभी सोच रहे हैं भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए कि नहीं लगाए, अगर कुछ लोग सोच रहा है पर फिक्स डिपोजिट करे या ना करे, पता नहीं क्या होने वाला है। फिक्स डिपोजिट करेंगे, गवर्नमेंट बोलेगा जिसका जिसका फिक्स डिपोजिट है 6% इंटरेस्ट से 3% कर देगा, हो सकता है आपका फिक्स कुछ आधा घर में लेगा ले लेगा, क्या होगा हमको मालूम नहीं है। आज क्या होने वाला है हम किसी को मालूम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आज फिनेंशियल इन्वेस्टिंग, चाहे एनएससी हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, हम लोग सोच रहे हैं भाई थोड़ा देख के, वैसे हमारा किसी का पास सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, कम हो गया, तो ये भी बड़ा इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ का इंडस्ट्री है, ये भी आज बहुत तकलीफ है माय डियर फ्रेंड्स। एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब, ये भी सोचने वाला चीज है, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए भी हम लोग को सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये भारत देश का सबसे प्राचीन परंपरा है जो अनएम्प्लॉयमेंट। मैं जो आज आपको बताना कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात किया, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भारत देश का एवरी मीडिया चैनल्स, एवरी न्यूज़पेपर पे आज आ रहा है, करीबन 19 करोड़ लोगों का जॉब चला गया है माय डियर फ्रेंड्स, करीबन 19 करोड़ लोगों का जॉब ऑलरेडी जा चुका, और लॉट ऑफ पीपल विल लूज देयर जॉब। ये भारत देश का जो सबसे पुराना प्राचीन परंपरा है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत देश का अलंकार है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज हर साल लाखों करोड़ लोग ग्रेजुएट बन रहा है। एक प्राइवेट शिक्षक का, स्कूल टीचर का, मेरा टीम में ऐसा बहुत सारा स्कूल टीचर्स है, वो स्टेज में चढ़ के अभी माई लाइफ करके बहुत ऐसा स्कूल टीचर अभी आईटीसी बन गया अपना ग्रुप में, ऐसा बहुत स्कूल टीचर एनटीसी बन गया, ऐसा बहुत स्कूल टीचर मतलब बहुत स्कूल टीचर बहुत बड़ा बड़ा लेवल पे इनकम कर रहा है। ये लोग आज स्टेज पे चढ़ के ऐसा बात करते हैं। मेरे को इधर पे दिख रहा है, मतलब आर डी पटेल सर ये भी स्कूल टीचर थे, आज आईटीसी एंड प्लैटिनम है माय डियर फ्रेंड्स। आज अपना साथ यश पटेल सर, ये भी प्रोफेसर थे, आज ये आईटीसी प्लैटिनम है। आज हमारा साथ दिशन नई, जो गुजरात से, देवग्राम गुजरात से है, ये भी टीचर थे, आज ये सीटीसी एंड एमरल्ड है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोच सकते हो मेरा टीम में भी ऐसा बहुत सारा टीचर्स हैं जो स्टेज में चल के बताते हैं व्हाट वाज माय पास्ट 20 साल का मेरा अचीवमेंट क्या है। मैं लाखों करोड़ लोग को ग्रेजुएट बनाया और वो भारत देश में ग्रेजुएट होने के बाद अनएम्प्लॉयड बन गया। सो मैंने क्या किया पिछले 20 साल में, मैं लाखों करोड़ अनएम्प्लॉयड का जन्म दिया, दिस वॉज माई अचीवमेंट। बट आज भारत देश में ये नॉट ओनली अभी का स्टोरी है, ये भारत देश में प्राचीन परंपरा है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हम लोग आज के लिए नहीं, बहुत पास्ट, ये हमारा अलंकार है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत प्राचीन परंपरा है। और उसके साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट,
मतलब ये और भी ज्यादा बढ़ गया, और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जो काम करोगे उससे कम आपको पैसा मिलेंगे। और कुछ 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 कंपनीज इवन इवन गवर्नमेंट खुद बोल दिया कि बहुत लोगों का पैसे काट दिया जाएगा। इवन इसका सबसे पहले सूचना किया था हमारे देश का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, और देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और सारे एमपी एमएलए, इसने बोला कि हम लोग अपना सैलरी से 20% कम कर देंगे, कम लेंगे। इसने क्यों किया? बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बना लिया। बिकॉज पहले हम लोग खुद को बताएंगे, खुद को सैलरी कट करेंगे, फिर भारत देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को आने वाला काल में हम लोग इसको एम्प्लॉयमेंट से पैसा उसको काटने वाला है। इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जितना करते हैं उससे कम आपको पैसा मिलने वाला है। ये भारत देश का प्राचीन परंपरा थे, और साथ में ये अनएम्प्लॉयमेंट साथ का अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया था, दिस ऑल वॉज द लूजिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जो बहुत डाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत डाउन हो गया। मैं थोड़ा टी ले रहा हूँ बिकॉज मेरा थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट फिर भी आप लोग का साथ हूँ। सो मैं थोड़ा विनिंग इंडस्ट्री बात करूंगा। वट आर द विनिंग इंडस्ट्रीज? अभी देखेंगे विनिंग इंडस्ट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ कोरोना, कुछ कुछ इंडस्ट्री बहुत फ्लावरिश हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन रिटेलिंग। ये ऑनलाइन रिटेलिंग क्या होते हैं, मतलब जैसे कि स्नैपडील होते हैं, मतलब अमेजोन होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, ऐसा बहुत सारा कंपनी, मंत्रास होते हैं, बिग बास्केट्स होते हैं, ग्रुफर्स होते हैं, जो बिकॉज ऑफ कोविड जिसका बिजनेस 10 गुना हो गया, 50 गुना हो गया, इन लोग बहुत बिजी बिजी बन गया अभी। मतलब इससे पहले इन लोग का पास बिजनेस उतना नहीं था जितना आज हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब क्या होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि गूगल, जैसे कि गूगल, यूट्यूब जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जूम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, तो ये प्लेटफॉर्म पहले हम लोग इस्तेमाल, जैसे कि आज हम लोग जूम में मीटिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी ऑप्शन 2 साल पहले था, लेकिन हम लोग कभी नहीं किए इसको, बिकॉज आज ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये सारा प्लेटफॉर्म का यूज बढ़ गया है। इसको बोलता है विनिंग इंडस्ट्री। बिकॉज ऑफ कोविड इन लोग का क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है। होम डिलीवरी ऑफ फूड, जितना सारा होम डिलीवरी वाला है, जैसे कि बहुत सारा होम डिलीवरी कंपनी, स्विगी, जोमैटो, ये सब कंपनीज आज बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस कर रहे हैं। कुरियर सर्विस, पोस्टल सर्विस, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, ये सब कंपनीज, इंडियन स्पीड पोस्ट, सब अच्छा बिजनेस। ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग एंड टीचिंग, जैसे कि बाइजूस, ई लर्निंग ऐप, ये सब ऐप जो है ना, ये सब का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज आज हम लोग बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, ये सब बढ़ गया। टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज, ये इंडस्ट्री भी आज ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नेटफ्लिक्स, हम लोग सब घर बैठे बैठे नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं। जो पहले नेटफ्लिक्स नहीं देखते थे, जो पहले अमेजोन प्राइम नहीं देखते थे, जो पहले जी फाइव नहीं देखते थे, जो पहले हॉटस्टार नहीं देखते थे, आज अपना घर बैठे बैठे हम लोग ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स, गेमिंग कंसोल्स, घर बैठे बैठे हम लोग ये सब कर रहे हैं। स्पिरिचुअल साइंसेस, वास्तु, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ज्यादा बिलीव हो गया एस्ट्रोलॉजी पे अभी, लोग भाव सोच रहे हैं भाई क्या करेंगे, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, चलो। मेडिटेशंस बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, ये विनिंग इंडस्ट्री में आ गया। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मैंने ग्रीन में लिखा हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, साथ में हॉस्पिटल्स, चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, राइट, मतलब ये जितना भी मतलब पैथोलॉजिकल सेंटर्स जो हेल्थ केयर के अंदर आते हैं, इसका भी आज विनिंग इंडस्ट्री बन गया। साथ में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं भाई एलोपैथी तो है बट साथ में मेरे को आयुर्वेदिक पे भी जाना पड़ेगा, मेरे को होम्योपैथी पे जाना पड़ेगा, बिकॉज लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई मेरे को लाइफ लॉन्ग, मतलब हम लोग अगर लाइफ बहुत बहुत ज्यादा टाइम के लिए एलोपैथी लेते हैं ना, एलोपैथी में इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होते हैं, बट आयुर्वेदा में ओनली इफेक्ट है, नो साइड इफेक्ट है। तो लोग आज वो सोच पे आ गया, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग फॉर देयर हेल्थ अवेयरनेस। लोग सोच रहा है भाई अगर हेल्थ केयर को बिलीव करेगा तो ठीक है, वेरी गुड, बट अगर एलोपैथी ज्यादा लंबा लेंगे तो हो सकता है हमारा किडनी फेलियर हो सकता है, बिकॉज उसका साइड इफेक्ट है किडनी प्रॉब्लम, उसका साइड इफेक्ट है लिवर प्रॉब्लम, उसका साइड लॉट ऑफ इफेक्ट्स है, मतलब उसका इफेक्ट जैसा होते हैं जल्दी साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, बट आज आयुर्वेदा बोलिए, होम्योपैथ बोलिए, इसका कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो लोग आज ऑल्टरनेट मेडिसिन पे भी आ रहा है। और सबसे बड़ा बात आप सोच लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग। आज नेटवर्क मार्केटिंग जो इससे पहले भी थे, इससे पहले भी हम लोग 15-20 साल से बहुत सीरियसली ये काम कर रहा था। मैंने कहा क्या बताया, आज मैंने बताया कि भाई मैं पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और पिछले 7 साल
मैं माय लाइफ में काम करके मैंने डायमंड बना, और इससे पहले भी डायरेक्ट सेलिंग थे हम लोग, बहुत लोग इससे पहले भी थे, बट आज बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, आज लोगों का पास सिर्फ मतलब फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का बात अगर करेगा तो डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बहुत बहुत इजी टू एंट्री ले सकते हैं, अगर अच्छा प्रोडक्ट हो सकते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इजी टू अर्न घर बैठे बैठे, मतलब अपना एरिया में काम करके विद द हेल्प ऑफ द टीम, विद द हेल्प ऑफ द सीनियर्स, बहुत इजीली टीम वर्क के साथ हम लोग इसको पैसा कमा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तीन चीज को ड्रीम में रखा, हेल्थ केयर, ऑल्टरनेट मेडिसिन एंड डायरेक्ट सेलिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सब लकी हैं बिकॉज हम लोग जानते और कोई भी कारण से हम लोग मतलब जाने अनजाने से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी आ गया। सो वंस अगेन मैं सबको तहे दिल से वेलकम करूंगा, हम लोग एक बहुत जबरदस्त विनिंग इंडस्ट्री, मतलब अगर मैं 7 साल में डायमंड बना माय लाइफस्टाइल में, आपको बताना चाहूंगा आज बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ दिस ऑल पेंडेमिक कंडीशंस, आज जिस इंडस्ट्री हम लोग है, अगर मैं 7 साल में डायमंड बन सकता हूँ, अगर नट्टू भाई पटेल सर, अगर हरीश शेट्टीकर 6 ईयर में डायमंड बन सकते हैं, तो आप लोग 2-3 साल के अंदर डायमंड बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज हम लोग अभी एक विनिंग इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग आगे और फुल इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं। सो आप सबको मैं तहे दिल से वेलकम करूंगा, वेलकम यू ऑल इन द ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। सो अभी इसके लिए बहुत गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2016 में भारत देश में इससे पहले लॉ गाइडलाइन नहीं था, और एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर मतलब एफएआर डिपार्टमेंट, कंज्यूमर हेल्पलाइन डिपार्टमेंट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन लेके आया। मैंने जो लिंक दिया, ये लिंक को अगर आप टच करोगे, क्लिक करोगे, भारत देश में 200 कंपनी का नाम आपको दिखेगा, जो गवर्नमेंट ने चेक किया, सबको बोला, 3 महीने का नोटिस दिया, सबने अपना अपना प्लान चेंज करो, प्रोडक्ट ठीक ठाक करो, कोई भी कंज्यूमर को कोई भी तकलीफ होना नहीं है, एक लीगलिटी लेके एक गाइडलाइन को मेंटेन करके आपको काम करना है, और उसमें से आपको 200 एक्टिव कंपनी का जो गवर्नमेंट ने चेक करके उसका नाम साइट में डाल दिया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का वेबसाइट में आपको ये मिलेंगे। और सबसे बड़ा बात, अपना जो कंपनी है माय लाइफस्टाइल, वो आज एक नंबर वन एक्नोलेज कंपनी है। आपको बताना चाहूंगा, जो 200 कंपनी का लिस्ट है, वो 200 कंपनी का लिस्ट में पहले 3 नंबर, 1, 2, 3 का अंदर अपना कंपनी का नाम है। बहुत दिग्गज वाला कंपनी, फॉरेन कंपनी, यूएस कंपनी, मलेशियन कंपनी, उन लोग का नाम 50 में है, 60 में है, बट वी आर सो लकी कि हमारा कंपनी का नाम 1 से 3 का अंदर आता है। ये जो आप देख रहे हो, अपना कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान, इस मीटिंग में हमारा ग्रेट नट्टू भाई पटेल सर भी थे, हरीश शेट्टीकर सर भी थे, ये अपना मैनेजमेंट, तो ये मेरा फोटो का साथ है, बट हम लोग सब एक टीम मिलकर उधर पे गए थे, हम लोग मीट एंड ग्रीट किया था, बिकॉज हम लोग नंबर वन एक्नोलेज्ड कंपनी है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आप लोग भी साइट चेक करके देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नाउ विनिंग टाइम टू ऑल द डायरेक्ट सेलर। क्यों? बिकॉज हम सबको पता है, अभी सब लोग इम्यूनिटी ढूंढ रहे हैं, सब लोग अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, सब लोग हमारा पास जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। वैसे तो हम लोग विनिंग इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में जो विनिंग प्रोडक्ट्स है वो भी अपना साथ है। एवरीवन वांट्स मनी, सब सेकेंडरी इनकम ढूंढ रहा है, जिसका इनकम चला गया, जॉब चला, कितना सारा माइग्रेंट वर्कर्स बाहर गाँव से, बाहर स्टेट से, कितना सारा बाहर स्टेट में काम करने वाला, नौकरी करने वाला लोग आप घर आ गया, उसका फैमिली मेंबर ने बता दिया, भाई आपको बाहर नहीं जाना है, कुछ भी खाना खाएंगे तो आप कम पैसा कमाएंगे, लोकली काम करो, आपको बाहर नहीं जाना है। तो ये सब लोग सेकेंडरी इनकम ढूंढने के लिए सोच रहे हैं, बिकॉज बाहर गांव में जाके, बाहर स्टेट में जाके ज्यादा पैसा कमा रहे थे, अभी ये लोग अपना आजू बाजू में घूम रहा है, तो इट्स आवर टाइम टू गो एंड मीट देम, और ये हमारा विनिंग इंडस्ट्री का साथ आते हैं और विनिंग कंपनी का साथ आते हैं। तो आज ये इंडस्ट्री क्यों विनिंग बन गया, बिकॉज सब आज पैसा मांग रहा है, सब आज प्रोडक्ट मांग रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग अभी भी थर्ड लेग फोर्थ लेग स्टार्ट नहीं किया है, आप अभी नया रिसोर्स बना के थर्ड लेग फोर्थ लेग भी शुरू कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर फ्यूचर स्टार्स, बिकॉज हम लोग लकी है कि हम लोग ऑलरेडी रेड कार्पेट पे आ गया, अपना जिंदगी का रेड कार्पेट, जो स्ट्रगल हम लोग ले रहे थे इससे पहले, तो वो स्ट्रगल का दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी रेड कार्पेट में उतर गया, हम लोग एक विनिंग इंडस्ट्री बिलोंग कर गया। अभी जरूरत है एक जबरदस्त माइंडसेट का, अभी जरूरत है एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी का, अभी जरूरत है जबरदस्त प्लानिंग का,
जिसके लिए हम लोग आज प्लानिंग करेंगे। और आपका पास आप हार्मोनी ग्रुप जो इतना जबरदस्त ट्रेनिंग कराते हैं, अपना पास जो स्ट्रेटेजी है उसको अगर काम में लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग भी विनिंग बन सकते हैं। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, दैट इज माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आज स्टेज में होते, अगर आप लोग सब मेरा साथ होते, तो हम लोग ये बात सुनने का बाद हम लोग सब सिटी बजाते, क्लैपिंग करते, तो पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने घर में बैठ के। बट आप लोग को बताना चाहूंगा, यू ऑल आर लकी कि हम लोग एक जबरदस्त कंपनी में फास्टेस्ट ग्रोइंग और एक विनिंग कंपनी में हम लोग ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। तो मैं आप जो जिधर पे हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग अपना मेंटर को तहे दिल से रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज ही इज आवर मेंटर। और ये मिस्टर प्रवीण चंदन सर का फोटोज मैं हर मीटिंग में इसीलिए दिखाता हूँ, बिकॉज ही इज वेरी लकीएस्ट गाय इन आवर लाइफ। जितना लोगों का हाथ पकड़ रहे, जितना लोग का जिंदगी में इसका आशीर्वाद है, और सबका करियर, सबका जिंदगी चेंज हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट प्रेशियस पी विद अस, सब कंपनी बोलते हैं पीस, 3 P's 5 P's, प्रोडक्ट प्रोफाइल पे आउट प्लान प्रोमोटर्स, सब लोग बोलते हैं, बट हम लोग बताते हैं अपना पास एक ऐसा पी है जो किसी का पास नहीं है, वो है पी फॉर प्रवीण चंदन सर, अपना मेंटर। मैं बताना चाहूंगा सब अपना अपना घर बैठे स्पेशली सर के लिए स्पेशल रिस्पेक्ट रिगार्ड्स देने के लिए, बिकॉज हम लोग जो जिधर पे हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली पर्सन जो लाखों करोड़ लोगों का जिंदगी बदल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज भी सोच रहे हैं कैसे इस बिजनेस को बहुत जल्दी आगे लेके जाएंगे। सर ने बता दिया 31 मार्च में 2000 करोड़। आप सोच सकते हो लोग अपना बिजनेस डाउन पे जा रहा है, लोग सोच रहे हैं बिजनेस डाउन पे जाएगा आने वाले, मैंने बताया देश का GDP 0.08% पे जाने वाला है, 0.8% पे जाने वाला है GDP। और वो जगह पे अपना मेंटर पिछले मतलब डीजी नेशनल कन्वेंशन में बताया कि 2021 31 मार्च विदाउट एनी फेल हम लोग 2500 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। आप सोच सकते हो व्हाट इज द विजनरी, हाउ इज द विजनरी पर्सन ही इज, और वो जो बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं। तो हम लोग सब उसका साथ हैं, और जो जिधर पे हैं सर के लिए एक बार तहे दिल से रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स देंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा पास्ट फोटो है, दिस इज माय पास्ट फोटो। मैं जब बिफोर 2004 मतलब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 7 years आई वॉज इन जॉब, मैंने 7 साल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में एज ए मेडिकल। मैं आपको पास्ट फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज अभी आपको मैं प्रेजेंट फोटो दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये जो मतलब आप जो चेंज दिख रहे हो ना, सबको चेंज दिख रहा है, ये चेंजेस ना तो कोई फेयरनेस क्रीम का है, ये चेंजेस ना तो कोई फेस वॉश का है, ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस है इसमें जो फेयरनेस क्रीम है ना, ये फेयरनेस क्रीम का नाम है माई लाइफ स्टाइल। इसमें जो फेयरनेस क्रीम है, इस फेयरनेस क्रीम का नाम है अपना मेंटर प्रवीण चंदन सर। इसमें जो फेयरनेस क्रीम है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो अगर आप लोग का पास भी ये फेयरनेस क्रीम ऑलरेडी आ गया, आप लोग का पास भी ऐसा चेंज होने का सब कुछ आ गया, तो मैं बताना चाहूंगा ये देन एंड नाउ। मैं इसीलिए दिखा रहा हूं बिकॉज मेरा पास्ट शायद बहुत लोगों का प्रेजेंट है, और मेरा प्रेजेंट आज बहुत लोग जो मेरे को सुन रहे हो आपका फ्यूचर बन सकते हैं। इसीलिए मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर मैं बन सकता हूं डायमंड माय लेशन में, मेरे सुनने वाला हर कोई इंसान, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स, हर कोई फैमिली मेंबर्स, एंटायर भारत देश में से जो जिधर भी सुन रहे हो आप सब बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सो आएंगे हम लोग देखेंगे द ट्रूथ ऑफ डायमंड शेप। ये डायमंड शेप का स्पेशल ट्रूथ्स क्या है, कैसे बनेंगे हम लोग डायमंड, स्पेशली ट्रूथ्स क्या है हम लोग बताएंगे, क्या माइंडसेट लेके काम करने के लिए आप भी डायमंड बन सकते हो, कैसे आप नट्टू भाई पटेल बन सकते हो, कैसे आप हरीश शेट्टी सर बन सकते हो, कैसे आप डायमंड बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट इज ऑल आफ्टर द फॉर्मूला टू अचीव डायमंड। ऐसा कोई कैप्सूल है क्या, जो टैबलेट है क्या, जो हम लोग खा लेगा पी लेगा, 2 चम्मच ले लिया रात को सोने का टाइम में, मेरे को 1 साल बाद डायमंड बनना है, 2 साल बाद डायमंड बनना है, हर रात को सोने का टाइम में कैप्सूल खा लिया। सो ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग बताते हैं बहुत हार्डवर्क करना जरूरत है, कुछ लोग बताते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ऑल टाइम यू हैव टू बी पॉजिटिव फिर आप डायमंड बन सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं भाई लाख फैक्टर भी चाहिए, मैं बोलता हूँ लाख फैक्टर, कुछ लोग बोलते हैं लाख फैक्टर, ये लाख फैक्टर बोलते कुछ होते ही नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क करो, सिर्फ पॉजिटिव रहो, तो फिर कुछ लोग बोलेगा जो लेबर लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, वो इतना हार्डवर्क करते हैं तो वो क्यों डायमंड नहीं बनते हैं, वो क्यों सक्सेस नहीं होते हैं, उसका घर में क्यों मर्सिडीज बेंज नहीं है,
तो जरूर लॉक फैक्टर होना चाहिए। और मार्केटिंग टेक्निक क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? हार्ड वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, लॉक फैक्टर और मार्केटिंग। सो मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत इजीली बताना चाहूंगा, मतलब क्या क्या चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क ओनली हार्ड वर्क से नहीं होता है। मैं अगर 100% सोचूंगा तो 100% में मैं बोलता हूँ 35% आपको हार्ड वर्क, बिकॉज ओनली हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं आते, डायमंड आप बांध नहीं सकते हो। हार्ड वर्क का साथ साथ आपको 35% आपका इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, आपका गोल और पर्पस कितना स्ट्रांग है, कितना साउंड है, आपका वाई कितना साउंड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ हार्डवर्क से आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, सिर्फ हार्डवर्क से आप डायमंड नहीं बन सकते हो, आपका साथ साथ एटीट्यूड भी चाहिए। आपका बहुत हार्डवर्क कर रहे हो बट आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो बट आपका बिलीफ लेवल में स्ट्रांग नहीं है, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग नहीं है, आपका एक्साइटमेंट नहीं है, आपका गोल सेटिंग नहीं है, आपका अभी भी आप एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, आप हाउ के पीछे भाग रहे हो, आप वाई के पीछे नहीं भाग रहे हो। मतलब सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने 35-35 में डिवाइड किया। 35% आपका हार्डवर्क और 35% आपका इंटेलिजेंस, ये दो चीज चाहिए साथ में। मैं बताता हूँ भैया, लाख भी चाहिए, लाख भी चाहिए। जो लोग बोलते हैं लाख जरूरत नहीं है वो गलत है, लाख भी चाहिए। कौन सी चीज की लाख? एक अच्छा कंपनी मिलना लाख की जरूरत है, माई लाइफ स्टाइल जैसा कंपनी मिलना लाख की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, प्रवीण जी चंदन सर का जैसा मेंटर मिलना लाख की जरूरत है, आज कैलाश सर से जैसा सीईओ मिलना लाख की जरूरत है, आज सुनील सिंह सर जैसा वाइस प्रेसिडेंट एडमिन मिलना लाख की जरूरत है, आज सलील मैथ्यू सर जैसा सीईओ मिलना लाख की जरूरत है, आज अपना मतलब ग्रेट वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर जैसा इतना जबरदस्त हार्डवर्क करने वाला, कंधे पे कंधे मिला के फील्ड में जाने वाला एक वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा एक इंसान मिलना लाख की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा जो आरएम्स है, जो सपोर्टिव आरएम्स है, चाहे गुजरात बोलिए, चाहे महाराष्ट्र बोलिए, चाहे मतलब कोलकाता बोलिए, जो हमारा ऑल ओवर इंडिया का आरएम्स है, इस टाइप का सपोर्टिव आरएम्स मिलना लाख की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे हरीश शेट्टीगर सर जैसा सपोर्टिव डायमंड मिलना लाख की जरूरत है, ऐसा नट्टू भाई पटेल जैसा सपोर्टिव डायमंड मिलना लाख की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा अपलाइन मिलना लाख की जरूरत, जिस टीम में आप बिलोंग कर रहे हो, ऐसा हार्मोनी ग्रुप जैसा ग्रुप मिल ग्रुप के साथ काम करने के लिए लाख की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स ये लाख की जरूरत है, 55% लाख। जैसे हम लोग बताते हैं कि हम लोग अपना टीम जो गोल्डन सॉल्यूशन हमारा टीम है, हम लोग बताते हैं कि अपना टीम में भी बहुत लोग सब लोग लाखी है, बिकॉज ऐसा ऐसा माहौल में हम लोग काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बताया 5% लाख की जरूरत होते हैं, बहुत लोगों का पास ये सब नहीं होते हैं। छोटा मोटा कंपनी ज्वाइन हो जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, बड़ा कंपनी में यूएस वाला कंपनी में 20 साल काम कर रहा है, बोलते हैं दुनिया का नंबर वन कंपनी, पूरा वर्ल्ड में इसका फैक्ट्री है, ऑफिस है, बस उन लोग का लाख फेवर नहीं कर रहा है, बिकॉज उन लोग का पास प्रवेंशन नहीं है, उन लोग का पास इस टाइप का मैनेजमेंट नहीं है, उन लोग का पास इस टाइप का हार्डवेस्ट अकेडमी नहीं है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स लाख की जरूरत है, और आप लोग सब लकी हो। ये 5% तो सबका आ गया, ये 5% सबका आ गया माय डियर फ्रेंड्स, और बाकी काम अगर करते रहेंगे 25% मार्केटिंग एबिलिटीज। मतलब सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा, आपको इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, गोल, पर्पस चाहिए, लाख की जरूरत है। और व्हाट इज मार्केटिंग एबिलिटीज? मार्केटिंग एबिलिटीज मतलब आपका नॉलेज, आपका स्किल्स, आपका स्ट्रेटजीज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब होते हैं मार्केटिंग एबिलिटी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हार्डवर्क सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क ही कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स आप टीसी एक लेवल तक पहुंच सकते हो, माइंड हफ्ते का 5,000 रुपया कमा सकते हो, 2,10,000 जाने के लिए, 2,10,000 जाने के लिए सारे चीज का डेवलपमेंट जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारे चीज का मतलब सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता है, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता है, ये सब चीज का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे आप डायमंड बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सो कंसीव योर माइंड फॉर डायमंडशिप। व्हाट इज कंसीव योर माइंड? कितना लोग, बहुत लोग है मतलब जो आंख खोल के देख रहे, जैसे हम लोग आंख खोल के देख रहे हैं सबको, तो कितना लोग है कि आंख बंद करके भी देख सकते हो? कितना लोग आंख बंद करके देख सकते हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स आंख बंद करके देखने वाले लोग को हम लोग बोलते हैं विजनरीज। जैसे मैंने आंख बंद करके देखा, मैं सचिन तेंदुलकर के साथ, विराट कोहली के साथ मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं सचिन विराट कोहली को बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आंख बंद करके देखा। मतलब बहुत सारा जो लोग अभी भी शादीशुदा नहीं, उसके लिए बता रहा हूँ, मैं आंख बंद करके ये चीज देखेंगे तो मेरा घर में प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आंख बंद करके देखा कि
आलिया भट्ट के साथ डेटिंग में गया हूँ, ठीक है ना, मैं आंख बंद करके देखा मैं श्रेया घोषाल के साथ ड्यूएट गाना गा रहा हूँ, मैं आंख बंद करके देखा कि मैं अरिजीत सिंह के साथ ड्यूएट गाना गा रहा हूँ। देखिए ना माय डियर फ्रेंड्स, आंख बंद करके क्या जाते हैं, पैसा थोड़ी ना लगते हैं, बट आंख बंद करके देखने को बोलते हैं विजनरीज, बिकॉज जो चीज हम लोग आंख बंद करके देखते हैं ना उसी को बोलते हैं अपना जिंदगी का पर्पस, उसी को बोलते हैं अपना जिंदगी का गोल, उसी को बोलते हैं अपना जिंदगी का सपना, और उधर से अपना लाइफ में कंसेप्ट शुरू होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे आई एम अ डायमंड आफ्टर अचीविंग डायमंड, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर मैं बोलेंगे आई एम अ डायमंड आफ्टर अचीविंग डायमंड, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बोलेंगे आई एम अ डायमंड टूडे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, तो आपका जर्नी इजी हो जाएगा। So if I say I am a diamond after achieving it, it is very tough. But if I say I am a diamond before achieving it, रास्ता बहुत easy बन जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं my lifestyle शुरू किया था, मैंने दो लेग में काम शुरू किया था, because हमको पता नहीं था कैसे चार लेग में काम करना है, because उस टाइम में कंपनी का प्रमोशन भी अलग थे, कभी मुंबई जाते थे सन्मुखानंद हॉल में, तब उधर पर देखते थे कि मतलब 3 ID सीलिंग अचीवमेंट, 5 ID सीलिंग अचीवमेंट, ये सब देखते थे, हम लोग भी ऐसा काम शुरू किया। तो मैंने बताना चाहूंगा, मैंने फ्रॉम द डेट ऑफ माई लाइफ स्टाइल 49th वीक में मैंने एनटीसी बना और 130 वीक में मैंने ITC बना। मैंने वापस बताऊंगा, 49th वीक में मैंने एनटीसी बना और 130 वीक में मैंने ITC बन गया। और उसके बाद मेरा कोई रास्ता गोल नहीं था, उस टाइम में GTC UPC का रैंक भी नहीं था, अभी नया बताऊ सब रैंक। तो मैंने काम कर रहा था, कोई गोल नहीं था। फिर मैंने एक प्रोग्राम में गया मुंबई में, उधर पे देखा राजेश यादव सर को एक पहला डायमंड करके बहुत फेलिसिटेशन दिया जा रहा है, ऐसे एक बैच पहना जा रहा है, मतलब एक डायमंड बैच। तो मैं उस दिन मेरा माइंड को कंसीव हो गया, 200 वीक, मैं वो बात कर रहा हूँ 200th वीक का बात कर रहा हूँ, दिस इज द वीक ऑफ 367th वीक, मैंने 200 वीक का बात कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा माइंड कंसीव हुआ मेरे को भी डायमंड बनना पड़ेगा। और एक ITC होने का बाद, इतना बड़ा टीम चलाने का बाद, मैंने भी नया से दो टीम चालू किया। और लोग सोचते हैं भाई इतना लोग लेके मैं कैसे काम करूंगा, और मेरा पास वैसे बड़ा टीम था, इतना बड़ा टीम, इतना लीडर्स, इतना ITCs, इतना NTCs, इतना CTCs, बट मैंने अपना माइंड को कंसीव कराया और मैंने आंख बंद करके देखा, मेरा कोट में भी, मेरा ब्लेजर पे भी ऐसा डायमंड का माय लाइफ का बैच अपना मेंटर प्रवीण सर पहना रहा है, और मेरा माइंड कंसीव हो गया उधर पे, और मैंने जीत ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाएंगे मेरे को डायमंड बनना है। और उस दिन से मैं बोलना शुरू किया आई एम ए डायमंड, मैं 200 वीक में बोलना चालू किया आई एम ए डायमंड, और मैंने 339th वीक में मैंने डायमंड बना। ये जो बीच वाला 139 वीक है ना, इसमें मैंने डायमंड नहीं था, बट डायमंड के रास्ते जर्नी में था, बट ये 139 वीक मेरा माइंड कंसीव हो गया था डायमंड बनने का, इसीलिए मैं आज डायमंड होके आपका सामने बात कर रहा हूं। मेरे फ्रेंड्स, एक बच्चा जब जन्म लेते हैं ना, उसका जन्म से 9 महीना पहले उसका मम्मी का कोख में उसका जन्म हो जाते हैं, उसका एक्चुअली बर्थडे, रियल बर्थडे उसका 9 महीने पहले है, जब उसका मम्मी का कोख में एक फीटस का जन्म होते हैं। और सबसे बड़ा बात, उससे भी 6 महीने 1 साल पहले उस बच्चे का जन्म हो जाते हैं, जिस दिन उसका मम्मी पापा अपना माइंड को कंसीव कराते हैं कि मेरे को एक नन्ना सा प्यारा सा एक बच्चा चाहिए, उसी दिन उसी बच्चे का जन्म हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग तो जन्मदिन पालन करते हैं उसका, रियली जिस दिन जन्म होते हैं धरती पे, जिस दिन उसका जन्म होते हैं, लेकिन उसका जन्म उसी दिन होते हैं जिस दिन उसका पेरेंट्स से डिसीजन होते हैं कि मेरे को ऐसा एक बच्चा चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप 1 साल 2 साल का अंदर कंसेक्यूटिव सीलिंग में जाना चाहोगे, तो आज माइंड कंसीव करिए। सीलिंग अचीवर का बाद आप सीलिंग अचीवमेंट का एटीट्यूड में आओगे, तो सीलिंग अचीवमेंट जिंदगी में नहीं आएगा, बट आज से आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड, आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का तरीका, आपका सब कुछ जगह पे अगर सीलिंग अचीवमेंट का चकमा लगाते हो, तकमा लगाते हो, तो
आप डायमंड सीलिंग अचीवर बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स. सो कंसीव योर माइंड फर्स्ट, कंसीव योर माइंड. अभी मैं बात करूंगा 10 बिटर ट्रूथ्स. मतलब मैंने क्यों बोला बिटर ट्रूथ्स, मतलब तीखा चीज सच सच होते हैं. ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएंगे, बट तीखा खाएंगे तो लाइफ स्टेबल बनेंगे. तो डायमंड होने के लिए 10 बिटर ट्रूथ्स. फर्स्ट बिटर ट्रूथ्स, प्रॉब्लम वर्सेस पावरफुल गोल. किसको आप फोकस कर रहे हो? आप कोविड को फोकस कर रहे हो? अगर आपके पास पावरफुल गोल है ना, तो आप कोविड को भूल जाओगे. कुछ लोग घर में बैठे बैठे बोल रहे हैं कोविड 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 कोविड, क्या होगा क्या होगा क्या होगा. बट कुछ लोग बता रहा है, कुछ लोग ये कोविड को नहीं सोच रहा है. बिकॉज जो लोग का पास पर्पस सेट हो गया, गोल सेट हो गया और गोल बहुत पावरफुल बन गया, वो लोग पावरफुल गोल को फोकस कर रहे हैं. तो आप क्या फोकस कर रहे हो? प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हो कि पावरफुल गोल को फोकस कर रहे हो? अगर प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हो, आपका जिंदगी से गोल एकदम डिलीट हो जाएगा. अगर आप प्रॉब्लम पावरफुल गोल को फोकस कर रहे हो, तो आपका लाइफ से प्रॉब्लम डिलीट हो जाएगा. दो चीज एक साथ फोकस नहीं हो सकता है दोस्त, फोकस आप एक ही करोगे. तो आपका जिंदगी में प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है या गोल इंपॉर्टेंट है, वो पहले आप डिसीजन ले लीजिए. अगर आपका जिंदगी में प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉब्लम के लिए बात करिए, प्रॉब्लम के लिए सोचिए, और पूरा जिंदगी प्रॉब्लम रहेगा, लाइफ में सॉल्यूशन नहीं होगा. लेकिन अगर आपका जिंदगी में कोई गोल है, कोई पर्पस है और वो बहुत पावरफुल है, तो आज आपका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज आप ऑल टाइम वो पावरफुल गोल को फोकस कर रहे हो. जैसे कि मेरा लाइफ में, मैं गोल के पीछे भागता हूँ. हरीश शेट्टीगर सर गोल के पीछे भागते हैं, नट्टू भाई सर गोल के पीछे भागते हैं. मेरा टीम में जितना भी आईटीसीज है, आप मतलब हारमोनी ग्रुप बोलिए, गोल्डन सोल्यूशन बोलिए, जो भी आईटीसीज है, एनटीसीज है, सीटीसीज है, सब अपना अपना गोल के पीछे भाग रहा है. इसीलिए उसका उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट कुछ लोग ऐसा है जो अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है. सो आपके लिए बताऊंगा, सो ये कोविड जाएगा, लेकिन आपका जिंदगी से प्रॉब्लम लाइफ में नहीं जाएगा. अगर आप आज से गोल को फोकस करोगे, तो आपका प्रॉब्लम चला जाएगा. बीटा टू नंबर टू, थिंक ऑफ योर लोन्स रिपेमेंट. ये क्या बात हुई, लोन्स क्या आपकी तरफ से आ गया? माय डियर फ्रेंड्स, अपना जो जिंदगी है ना, ये अपना जिंदगी नहीं है एक्चुअली. बिकॉज मैं कभी सोचता हूं कि ये मेरा जिंदगी है, मैं कुछ भी करूंगा, बट हम लोग के ऊपर बहुत लोगों का कर्जा है. माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग हम लोग कर्जा लेके रखे हैं. वो कौन सा कर्जा? जो अपना माता पिता है, जो हमारा मिसेस है, हमारा बच्चे हैं, जो अपना फैमिली है, जो हमारे लिए बहुत लाइफ को स्ट्रगल कर रहा है. पास्ट में जन्म से लेके हमारा माता पिता कितना स्ट्रगल हमारे लिए किया है, आप सोच सकते हो? आप लोग को भी, हमारा हम लोग को भी ये फर्ज बनते हैं उन लोग का लोन्स चुका के भी जिंदगी से जाना है. माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, ये अपना जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये लाइफ में सबसे बड़ा भगवान होते हैं. इसीलिए इन लोग का आशीर्वाद लेना कभी मत भूलिएगा. इन लोग का आशीर्वाद हर टाइम चाहिए. और अपना जो माता पिता है ना, इन लोग का सेवा अपना हाथ से करिए. बिकॉज माता पिता का मतलब सेवा और पत्नी से प्यार. मैं वापस बताऊंगा, माता पिता का सेवा और पत्नी से प्यार कोई नौकर से नहीं होता है दोस्त. इसीलिए अपना माता पिता का सेवा अपना हाथों से करना पड़ेगा. अगर आपका परिवार, आपका माता पिता आपको बहुत बहुत कुछ एसेट देके गया है, बहुत पैसा देके गया है, उसको दान दान में खर्चा करना चाहिए. बिकॉज घर में कोई बहन है, घर में कोई बेटी है, जैसे उसका कन्यादान होते हैं, माता पिता का पैसा भी आपको दान दान में खर्चा करना है. अगर जिंदगी में बेस्ट इंसान बनना है, तो अपना अपना क्वालिटी से सब कुछ बनाना है दोस्त. और थिंक योर लोन्स रिपेमेंट. हमारा लाइफ में जितना भी लोन्स है, जो माता पिता हमारे लिए कितना किया, अपना बीवी, अपना पत्नी, अपना अपना बेटा बेटी, अपना फैमिलीज कितना तकलीफ झेलते हैं अपने लिए, सो इसके लिए भी अपना हम लोग को लोन चुकाना है. क्वेश्चन योर सेल्फ डेली. रोज हमारा खुद के साथ बातें करना पड़ेगा, खुद के साथ काउंसिलिंग ऑफ योर सेल्फ. हम लोग अपने साथ बातें जो कर सकते हैं, लोग बोलते हैं ये खराब है, अपलाइन खराब है, कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है, मैनेजर खराब है, सब दुनिया भर के लोग खराब है, लेकिन कभी भी हम लोग अपने आप के साथ बात नहीं करते हैं. कुछ लोग आज जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, अपने आप से बात करते हैं. वो सोते सोते जाने का टाइम में आप अपने आप से बात करिए, कुछ क्वेश्चन करिए, मैंने ऐसा क्या काम आज पूरा दिन में किया हूँ अपने गोल के लिए.
मैंने ऐसा किया, दो स्पेशल जॉब आज किया है, जो मेरा मेरा जो मेरा आज मेरा ड्रीम के लिए मैंने किया है। मैंने ऐसा कौन सी काम आज पूरा दिन में खराब किया है जो जिसको मेरे को सुधारना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन सब करिए। ऐसे मैंने क्या नया नया काम किया है, ऐसा क्या मैंने दो नया रिलेशन डेवलपमेंट किया है, ऐसा क्या मैंने नया अपने लिए काम किया है जो मेरा नाम ऊपर गया है। तो खुद के डेवलप करिए। मैं कल पूरा दिन क्या करूंगा, व्हाट इज माय प्लान फॉर टुमारो। मैं आज पूरा दिन अपने गोल के लिए कितना काम किया है। तो रेगुलर बेसिस में इस टाइप का क्वेश्चन कुछ लिखिए, और रात को सोने जाने का टाइम में आप अपने आप को ये क्वेश्चन करना है, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बिटर ट्रूथ फॉर डायमंड शेप। Even the successful ones, success ones are like you and me. आप सोच सकते हो, कोई भी लोग जैसे मैंने और आपने कोई फर्क नहीं है, नट्टू भाई पटेल सर और आपने कोई फर्क नहीं है। आज हरीश शेट्टी को देखिए, एक मीडिया मैनेजर थे, एक मीडिया मैनेजर थे और आज एक डायमंड है। आज नट्टू भाई पटेल और सी एन पटेल सर जो एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, एक सिंपल गवर्नमेंट जॉब करते थे, जो आज डायमंड है, माय डियर फ्रेंड्स। आज आर डी पटेल सर जो आईटीसी प्लैटिनम अपकमिंग डायमंड है, जो एक स्कूल टीचर थे, आज आईटीसी प्लैटिनम है। जो प्रकाश पटेल सर जो पठान के गुजरात पठान से रहते हैं, जो आज आईटीसी है, जो एलआईसी एजेंट का काम करते थे, छोटा मोटा जॉब करते थे, ये सब हम जैसे इंसान है, माय डियर फ्रेंड्स। जैसे डी एस पटेल सर पालनपुर का एक डायमंड पॉलिशिंग काम करते थे, आज आईटीसी एंड गोल्ड है। आप सोच सकते हो, माय डियर फ्रेंड्स, संजय पटेल सर गांधीनगर से रहने वाला है, आज ये आईटीसी प्लैटिनम है, एक इंजीनियर थे, एक इंजीनियर होने का बाद भी आज डायरेक्ट सेलिंग माइंड लाइफ में फुल टाइम काम कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। ये सब हम जैसे इंसान है, ये अलग इंसान नहीं है। यश पटेल सर जिसने मेरे को स्टेज में इन्वाइट किया, ये भी एक मतलब प्रोफेसर, सोचिए प्रोफेसर थे, आज आईटीसी प्लैटिनम अपकमिंग डायमंड। शशांक सत्तीकर सर, इसका बारे में सर के बारे में मैंने बहुत सुना है, इंडिया का यंगेस्ट टॉप मॉडल बीएमडब्ल्यू ओनर, ये नेवी में काम करते थे, आज आईटीसी प्लैटिनम है, माय डियर फ्रेंड्स। ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब दुनिया दूसरा वर्ल्ड से आने वाला लोग है। आज सोच सकते हो, मिस्टर जी के पटेल सीटीसी है, इंश्योरेंस में काम करते थे, गैस एजेंसी में काम करते थे। अगर मैं मिस्टर जी जे जला गांधीनगर से रहने वाला है, सीटीसी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आज सीटीसी है। मिस्टर एच पटेल पालनपुर गुजरात से, ये डायमंड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट में काम करते थे। आप सोच सकते हो, दिशम नई जो आज गुजरात से, आज एक टीचर थे, आईटीसी एमरल्ड। आनंद पोकर सीटीसी एमरल्ड, आनंद पोकर जो गुजरात देवग्राम से सीटीसी गोल्ड, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। जो ब्रांड न्यू शैलेश पटेल सर जो गुजरात से है सीटीसी, इसका एक ग्रोसरी दुकान थे, एलआईसी एजेंट थे। ऐसा कई एग्जांपल्स है अपना टीम में, ऐसा बहुत सारा किसान लोग है जो आज आईटीसी है। लाइफ में कभी स्कूल नहीं गया, आज आईटीसी है। बिजनेस परिवार से बिलोंग करते हैं, आज आईटीसी है। बहुत सारा स्कूल टीचर्स आईटीसी है। तो आपको बताना चाहूंगा, ये सब सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, जो अभी आईकॉन बन गया, ब्रांड बन गया, आप भी बन सकते हो दोस्त। सिर्फ एक माइंडसेट लेना है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना, इन लोग का चार हाथ है, चार पैर है। इवन सक्सेसफुल वंस आल्सो लाइक यू एंड मी, माय डियर फ्रेंड्स, हर्डल्स विल कम, दिस इज फॉर श्योर, हर्डल्स विल कम। मैं डायमंड बनूंगा, ये मेरा माइंडसेट है, बहुत हर्डल्स आएगा, बट हर हर्डल्स का पीछे सॉल्यूशन भी रहेंगे, बट सॉल्यूशन विल फॉलो, दैट इज फॉर मोर श्योर। जितना श्योर आप होंगे हर्डल्स आने का, उससे कहीं गुना आपका ये श्योरिटी है आपका पास, कि उसका पीछे सॉल्यूशन भी ऊपर वाला भगवान खुदा जीशु अल्लाह ने देखे ही भेजते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। बट जब भी आपका हर्डल्स आते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस अपने आपको करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एज ए न्यूट्रल मन के उसका सॉल्यूशन करिए। आप सोचिएगा, आपसे भी खराब कंडीशन में जो लोग हैं उसका साथ आप अपना कंपेयर करिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और नंबर टू, अगर ऐसा कठिन परिस्थिति आते हैं तो घर में बैठे बैठे रोते हुए आप रोना बंद करिए और डबल हार्डवर्क चालू करिए आज से। अगर ऐसा कठिन परिस्थिति आते हैं तो घर बिना रोते हुए, घर बैठे बैठे रोना छोड़ के डबल हार्डवर्क करना चालू करना पड़ेगा। और सबसे भयानक थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा कठिन परिस्थिति आते हैं
आप आंख बंद करके इतना टेंशन मत करके बिना रोते हुए आंख बंद करके एक बार आप अपना सपना को वापस एक बार देखिए और उससे आने वाला सुख को महसूस करिए, उससे आने वाला सुख को महसूस करिए माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिएगा आपका सारा प्रॉब्लम चला जाएगा। दिस इज बिटर ट्रूथ। बहुत लोग हर्डल्स लेके प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो ना आपको हर्डल्स ओवरकम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो शिप्स होते हैं ना, ये जो शिप्स होते हैं, ये जो मतलब फ्लाइट होते हैं, ये लोग एयरपोर्ट में बैठने के लिए नहीं बना है, ये पोर्ट में, एक शिप पोर्ट में रहने के लिए नहीं बना है, एक शिप बना है डीप सी में जाने के लिए, एक फ्लाइट बना है मतलब स्काई में चढ़ने जाने के लिए, उसमें अप्स एंड डाउन होगा, आपको एयर पॉकेट मिलेगा, ढक कर गिर जाओगे वापस उठ जाओगे, गिर जाओगे उठ जाओगे, गिर जाओगे उठ जाओगे, लेकिन ये मतलब कठिन परिस्थिति में जाने के लिए बना है शिप और फ्लाइट। और हम लोग भी जिंदगी का स्ट्रगल्स हैंडल करने के लिए सब अपना अपना लाइफ का लाइफ स्ट्रगल्स का एक सैनिक है दोस्त। अगर डायमंड बनना चाहते हो तो हर्डल्स को मत डरिए, आप याद करिएगा ऑलवेज आपका हर हर्डल के पीछे सोल्यूशन होते रहेंगे। बैन नेगेटिविटी 100%। अगर अगर हमारा माइंड में नेगेटिव चल रहा है तो आपका सोल्यूशन भी नेगेटिव होगा। हम लोग बताते हैं माइंड शेयर इज इक्वल टू मार्केट शेयर। आप अगर आप पॉजिटिव माइंड शेयर करोगे तो पॉजिटिव मार्केट का शेयर मिलेंगे, अगर आप नेगेटिव मार्केट शेयर करोगे माइंड शेयर करोगे तो आपको नेगेटिव मार्केट शेयर मिलेंगे। तो अगर आप सक्सेस का माइंड शेयर करते हो, पॉजिटिव माइंड शेयर करते हो तो आपको सक्सेस मिलेंगे। अगर आप फेलियर का माइंडसेट माइंड शेयर करोगे, अगर आप फेलियर का मतलब माइंड नेगेटिव माइंड शेयर करोगे तो आपका फेलियर का मार्केट शेयर मिलेंगे। तो आप किस में जाना चाहते हो? बहुत लोग नेगेटिव माइंड शेयर करते हैं तो इसलिए बताना चाहूंगा ये जो 3 बेसिक रूल्स ऑफ मानोगिरी है, बी डेफ, बी कीप मम एंड बी इग्नोरेंट। मैं ये आज से नहीं, मतलब गांधीगिरी का मतलब है ऑलवेज बी डेफ कीप मम एंड बी इग्नोरेंट, आपको ये रहना चाहिए बिकॉज ये ऑलवेज आपको सक्सेस डायमंड होने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है। डू नॉट लेट अदर डिक्टेट योर लाइफ। आप अपना लेवल पे चलिए, अपना डिसीजन पे चलिए, अपलाइन से प्लानिंग लीजिए और अपना डिसीजन, मेरे को नौकरी छोड़ना है छोड़ दीजिए, मतलब मेरे को काम करना है कर चालू करिए, बिकॉज मतलब कौन क्या सोचेगा कौन क्या बोलेगा, मतलब हम लोग बोलते हैं डर शर्म बार करिए, ये क्या सोचेगा वो क्या बोलेगा, मतलब हम लोग अपने आप को दुनिया में दुनिया के सामने खड़ा करना है, मतलब जब तक हम लोग ये सब सोच में रहेंगे ना अपना, हम लोग अपने आप का सेल्फ इमेज बाहर करना है, अपना एटीट्यूड को बाहर करना है, हम लोग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को बाहर करना है, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, मैं आज कोविड का प्रॉब्लम है, मैं किसी का साथ 10,000 रुपया मांग रहा हूँ, ये क्या कितना खराब सोच है। डोंट थिंक दैट लाइक दिस। आप सोचिए यू आर ऑल्सो कोविड वॉरियर्स, हाउ, बिकॉज आप एक इंसान का घर में टेंशन थे, उसी टेंशन में आप उसका लाइफ चेंज का अपॉर्चुनिटी दिया है। अब डोंट थिंक अगर घोड़ा सोचते हैं ना मैं ये घास को उगर के खाऊंगा तो घास को कितना लगेगा, तो लाइफ जिंदगी भर ये घोड़ा को भूखा रहना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर डायमंड बनना चाहते हो तो डर और शर्म बाहर करिए, जैसे कि हम लोग किया है, इसीलिए आज हम लोग डायमंड बना। डू नॉट लेट अदर डिक्टेट योर लाइफ। आप अपना जिंदगी का चाबी अपने हाथ पे रखिए, जरूर अपना अपलाइन, अपना मेंटर, अपना स्पॉन्सर से बात करिए, प्लानिंग लीजिए। लीडरशिप इज नॉट ए रेस ऑफ द पॉपुलरिटी। लीडरशिप ऐसा कोई रेस नहीं है जो पॉपुलरिटी लेने का, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, जैसे कि अपना अपना स्टेट में है दीदी और सेंट्रल में है मोदी, दीदी बोलते हैं मोदी खा रहा, मोदी बोलते हैं दीदी खा रहा, ये उन लोग का काम है। मोदी चाहे कितना भी अच्छा काम करे, दीदी बोलता है ठीक सही नहीं किया, दीदी का मोदी का हर चीज खराब दिखता है, लेकिन दीदी का ग्रुप में भी कितना लोग खराब काम कर रहे हो दीदी को दिख नहीं आ रहा। इसीलिए बताना चाहूंगा आपको, दिस इज नॉट द लीडरशिप इज नॉट द रेस ऑफ पॉपुलरिटीज। हम लोग कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, हम लोग अपना टीम को डेवलपमेंट करने के लिए इधर पे आए हैं। कोई अगर आपका टीम में खराब कर रहा है, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो राइट को राइट बोलो, भूल को भूल बोलो, अगर आपका टीम में कोई आपका जान पहचान में आपका बहुत प्यारा कोई लीडर, आपका फ्रंटलाइन लीडर शायद कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन आप उसको नहीं सामने लेके आ रहे हो, नहीं बता रहे हो,
don't do this because we are not the politicians, we are the leaders. हम लोग लाखों लोगों का जिंदगी बदलने वाले हैं, my dear friends. So leadership is not a race of popularity. Mindset करना पड़ेगा कि आप diamond बन रहे हो. So इधर पे बहुत level पे आपको bitter truth जाना पड़ेगा. The importance of character in direct selling. अगर हमको diamond बनना है, अगर हमको इस company से success लेना है, बहुत बार level में पहुंचता है, तो हम लोग को character भी ठीक रहना बहुत जरूरी है. बहुत लोग ये character ठीक नहीं रख सकते. Because अच्छा इंसान बनने के लिए, अगर अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो ही हम लोग सक्सेस हो सकते हैं. डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए अच्छा इंसान होना भी जरूरी है, और एक अच्छा इंसान ही डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल में डायमंड और सक्सेस बन सकते हैं. अपलाइन सपोर्ट इज एन ऑप्शन बट नॉट मैंडेटरी. मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब अगर आपका साथ आपका अपलाइन साथ देते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. सपोर्ट करना ही पड़ेगा. अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, अगर आप इस कंपनी से एकदम टॉप में पहुंचना चाहते हो, जैसे कि मैं 2004 में अपना सीनियर को बोला, मेरा साथ बहुत अच्छा रिलेशन है उसका, अभी वी आर वेरी गुड फ्रेंड. मैंने पर्सनली उसको बोला कि सर आज से मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा. मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज अगर मैं अकेला एक सिस्टम को लेकर चलूंगा, तो मेरा अंदर का जो ताकत जो छुपा के रखे हैं उसको बाहर लेके आऊंगा. मैं बहुत शक्तिशाली बनूंगा. आज फुटपाथ में जो लोग रहते हैं ना, जो इसके पास घर नहीं है, इन लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं. जो लोग फुटपाथ में रात गुजारते हैं, फुटपाथ में जो बच्चे सोते हैं ना, उन लोग का कोविड नहीं हो रहा है, उन लोग का डेंगू नहीं हो रहा है, उन लोग का मलेरिया नहीं होते हैं. पता है क्यों? ये लोग बहुत ताकतवर होते हैं. इन लोग का लाइफ में कुछ भी नहीं होते हैं, बिकॉज ये लोग जन्म से सोच लेते हैं मैं अकेला हूं जिंदगी में. और जितना माता पिता अपना बच्चे को गोद में लेके घूमते हैं ना, उन लोग का लाइफ में सबसे बड़ा तकलीफ आते हैं. इसलिए बताना चाहूंगा दोस्त, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, ये बिटर ट्रूथ को जरूर सुनिएगा. अपलाइन सपोर्ट इज इट इज एन ऑप्शन बट नॉट मैंडेटरी. जितना लोग अपलाइन को गोद में घूमता है ना, वो लोग एम्प्लॉय बन के काम करते, उसको बॉस का जरूरत है. Because we are not an employee, we are the owner of this business. इसीलिए अगर आपका पास ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं ऑप्शन है तो भी माइंडसेट करिए, अपलाइन होगा तो भी मैं डायमंड बनूंगा, अगर अपलाइन नहीं भी होगा तो भी मैं डायमंड बनूंगा. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल बिटर ट्रूथ्स, 10 बिटर ट्रूथ्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए, माई लाइफ में डायमंड बनने के लिए 2 से 3 साल का माइंडसेट लेके चलिए. बिकॉज 2 से 3 साल मतलब मैंने बोला, बहुत कम बोला, बिकॉज 15,000 रुपया कमाने वाला को भी 15 साल का मेहनत करना पड़ते हैं, स्कूल जाना पड़ते हैं, कॉलेज जाना पड़ते हैं, पढ़ाई करना पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ते हैं. 15 साल 20 साल अपना जिंदगी का देने के बाद उसको 15 साल का 15,000 का नौकरी मिलता है. एक डॉक्टर बनने के लिए भी हमको करीबन 18 से 20 साल का पढ़ाई करना पड़ते हैं, 5 साल MBBS, उससे पहले 12 साल पढ़ाई, और MBBS होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, MD स्पेशलिटी डिग्री, पेडियाट्रिशियन की गायनोकोलॉजिस्ट की ऑर्थोपेडिशियन स्पेशल डिग्री इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद हाउस स्टाफ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, सो वॉट एवर. इसके बाद आपका 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 कंसल्टेंसी आप मिलेंगी आपको, तो 20 से 25 साल का पद आपको करियर मिलता है. सेम वे CA, लॉयर, IT प्रोफेशनल, स्पोर्ट्स पर्सन, सब जगह पे आप देख सकते हो. बट माई डियर फ्रेंड्स, मैंने 2 से 3 साल का ही बात बोला, ये माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा. बिकॉज ये कोई चमत्कार, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई लॉटरी टिकट काट लिया कल से पैसे आने लगेंगे. 2 से 3 साल का माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा. पावरफुल माइंडसेट एंड फाइनल डिसीजन इन लाइफ, लास्ट काम. जैसे मैंने सोच लिया कि लाइफ का आखिरी दिन तक माई लाइफ स्टाइल ही करेंगे. कुछ लोग सोचते हैं भाई मेरे को अगर दूसरा मिलेगा दूसरा करूंगा, ये नहीं होगा तो वो करूंगा, वो नहीं होगा तीसरा करूंगा, तीसरा चौथा करूंगा. तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है. अगर लाइफ में डायमंड बनना है तो आपको एक फाइनल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कॉलेज लेवल पे जब पढ़ाई करते थे बहुत गर्लफ्रेंड होते थे, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड होते थे, बट उसको हम लोग बोलते हैं इन्फैचुएशन. बट जब हम लोग शादी का डिसीजन लेते हैं ना, मतलब वो होता है फाइनल डिसीजन. उसके बाद और आप गर्लफ्रेंड बना नहीं सकते हो, बिकॉज वो फाइनल हो गया. हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लव. व्हाट इज लास्ट लव? लास्ट लव इज शादी. बिकॉज
जिस दिन हम लोग शादी कर लिया ना, वो लास्ट लव हो गया, उसको साथ पूरा जिंदगी उसी उसी को प्यार करना पड़ेगा, एक हस्बैंड को, वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल डिसीजन। इसीलिए हम लोग शादी का टाइम में एक लड़का लड़की को चुन लेते हैं और लड़की लड़के को चुन लेते हैं, बिकॉज पूरा जिंदगी उसके साथ गुजरना है। इससे पहले शायद 18 साल में 20 साल में कुछ इंफेट्यूएशन हुआ था, सो इधर पे भी हमको पावरफुल माइंडसेट एंड फाइनल डिसीजन। शायद माय लाइफ से पहले भी हम लोग कुछ करते थे, नौकरी, छोटा मोटा जॉब, बिजनेस, ये वो करते थे, दैट वाज आवर इन्फैटुएशन, हमको माइंडसेट नहीं था। आज माइंडसेट माय लाइफ पे आने का बाद आज पूरा हिंदुस्तान में अगर 500 से ज्यादा लोग सीलिंग अचीवर हो सकते हैं तो वो लोग पावरफुल माइंडसेट लेके काम कर रहे हैं। अगर आप लोग भी पावरफुल माइंडसेट लेके काम करते हो और फाइनल डिसीजन इन लाइफ लेते हो तो आप लोग भी इस कंपनी से डायमंड, लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग बाय चांस आते हैं, मतलब अपलाइन ने बोला ज्वाइन कर गया, आके बैठ जाओ, बैठ गया, मीटिंग है आ जाओ, चले आ गया, ट्रेनिंग में चलो, चला गया, मतलब ये सब बहुत लोग करते हैं, इसको बोलते हैं बाय चांस। और कुछ लोग होते हैं बाय चॉइस, मतलब जैसे कि मैंने 2004 में अपना रनिंग नौकरी को छोड़ के बाय चॉइस, बिना सक्सेस, लोग सक्सेस होने के बाद नौकरी छोड़ने का सोचते हैं, कभी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। मैंने फर्स्ट अपने डिसीजन पे नौकरी छोड़ा, मेरा घर में और कोई सेकेंड इनकम का लोग नहीं है, आई वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली, मेरा बहन का शादी भी नहीं हुआ था, मेरा मम्मी माता पिता थे, सब लोग रोने लगे, लेकिन मैंने बाय चॉइस डिसीजन लिया, मैं नौकरी छोड़ के फुल टाइम करूंगा, इसीलिए मेरा बिजनेस शुरू हुआ, मैंने ओनर बन गया। बाय चांस वाला लोग ना एम्प्लॉय बन के काम करते हैं, उसको बोलते आ जाओ, आ जाते हैं, चला जाओ, चला जाते हैं, मीटिंग शुरू करो, कर देते हैं, ट्रेनिंग में आ जाओ, आ जाते हैं, जूम में आ जाओ, आ जाते हैं, ये बाय चांस वाला है, मतलब गलती से आ गया, किसी ने बोला आ गया। लेकिन जिस दिन आप बाय चॉइस पे आओगे, ये बाय चॉइस वाला को कुछ स्पेशल क्वालिटी है, जैसे कि लास्ट जॉब, एग्रेसिवनेस, प्लानिंग, पैशन, हार्ड वर्क, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, मतलब बहुत इन लोग ये सब क्वालिटी लेते हैं। लास्ट जॉब, एग्रेसिवनेस, प्लानिंग, पैशन, मतलब जुनून लेके काम करते हैं, पागलपंती लेके काम करते हैं, हार्ड वर्क ऑलवेज करते हैं, पैसा लगाते हैं अपने लिए, सैक्रिफाइस, मतलब बाय चांस वाला लोग शादी बड़ी छाती में चला जाएगा, बाय चॉइस वाला लोग शादी कैंसिल करके इसमें आएगा। मतलब क्या करते हैं लोग, मतलब सैक्रिफाइस, जैसे कि मेरा घर में शादी है रिलेटिव का, बीवी बोल रहा है शादी पे तुमको जाना पड़ेगा, तो मैं बीवी को बोल रहा हूं कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरे को मीटिंग में जाना है, तो मैं कौन हूं, मैं बाय चॉइस हूं। घर में शादी है, अपलाइन फोन करके बोल रहा है आपको मीटिंग में आना है, आप बोल रहे हो सर मेरा बीवी बोल रहा है घर में शादी है सर, मैं उधर को जाना ही पड़ेगा सर, तो आप कौन हो, आप बाय चांस हो, बिकॉज आप अभी भी ओनर बना नहीं, आप एम्प्लॉय हो, आप अभी भी बिजनेसमैन बना नहीं, बिकॉज आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। बाय चॉइस वाला लोग सैक्रिफाइस करते हैं, लीडरशिप लेके काम करते हैं, मतलब कोई रहेगा तो भी मैं डायमंड बनूंगा, कोई भी नहीं रहेगा तो भी नहीं मैं डायमंड बनूंगा, कोई अपलाइन सपोर्ट करेगा तो भी मैं बनूंगा, कोई अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगा तो भी मैं बनूंगा। बाय चॉइस वाला लोग सपना देखते हैं, वो मर्सिडीज बेंज का शोरूम में चला जाते हैं, एनटीसी लेवल पे, एसटीसी लेवल पे जाके बोलता है भैया मैं मर्सिडीज बेंज का सब मॉडल का मेरे को ब्रोशर्स दो, बोला क्यों सर मैं गाड़ी खरीदूंगा, वो बैठ के ब्रोशर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, ड्रीम सेट करते हैं। बाई चांस वाला लोग डरते हैं, वो लोग डरते हैं, वो लोग सोचते हैं भाई मर्सिडीज बेंज और मेरा जैसा लोग लेगा, तो आज मेरा घर में दो दो मर्सिडीज है बिकॉज मैं बाय चॉइस से आया हूं, मैं सपना देखता हूं, अभी भी देखता हूं। आज हरीश शेट्टीगढ़ सर सपना देखते हैं, दुबई में फ्लैट लिया है, आज नट्टू भाई पटेल सर बड़ा सपना देखते हैं बिकॉज ही इज बाय चॉइस पीपल। आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बाय चांस में रहोगे तो सक्सेस डायमंड नहीं बन सकते हो, जब तक आप बाय चॉइस पे नहीं आओगे तब तक आपका चाहे कितना बड़ा माइंडसेट हो जाए आप डायमंड नहीं बन सकते हो। एम्प्लॉय और ओनर आपका एटीट्यूड कैसे है, जस्ट ए डायरेक्ट सेलर, एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय हाउ पे काम करते हैं। आज रिलायंस कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी सर, उसने क्या किया, बोला जियो लॉन्च करेंगे, आज जियो, वाई जियो, उसने बोला क्या रोटी कपड़ा मोबाइल, हम लोग क्या बताते रोटी कपड़ा मकान, उसने ड्रीम लिया रोटी कपड़ा मोबाइल,
उसने बोला 130 करोड़ आबादी में हम लोग मोबाइल, हर घर में मोबाइल देंगे, बिकॉज ही इज ए बिजनेस ओनर, ये मालिक है, इसके पास वाई क्लियर है, वाई क्यों जियो, वाई जियो, रोटी कपड़ा मोबाइल, 130 करोड़ आबादी, रोटी कपड़ा मोबाइल। इसलिए उसने क्या किया, पूरा हिंदुस्तान से टॉप टॉप हाउ जानने वाला लोगों को हायर किया। वो कौन है हाउ जानने वाला लोग, एम्प्लॉय लोग ही हाउ जानते हैं, एक इंजीनियर हाउ जानते हैं, एक MBA हाउ जानते हैं, एक MCA हाउ जानते हैं, एक प्रोफेशनल हाउ जानते हैं, बट मुकेश अंबानी हाउ नहीं जानते हैं। अंबानी को वाई क्लियर है, बिकॉज ही इज ए बिजनेस ओनर। तो आप माय लाइफ में एम्प्लॉई जस्ट एक डायरेक्ट सेलर हो या आप एक बिजनेस ओनर हो? अगर आप बिजनेस ओनर हो कोई तकलीफ नहीं है, आपका बिजनेस आज से शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी डायमंड भी बन जाओगे। अगर हम लोग एम्प्लॉय की तरफ काम कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। जब तक आप बिजनेस ओनर नहीं बनते हो तो आपका आपका लाइफ में डायमंड शिप नहीं आएगा। नो अपग्रेडेशन इन चेंजिंग लाइफ, नो सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपका अपग्रेडेशन, हमारा अपग्रेडेशन नहीं होता है जिंदगी में। 2005 में मेरे को प्रवीण सर का साथ मुलाकात हुआ पहली बार एक मीटिंग में। सर ने मेरे को बताया, सुरंजन तेरे लाइफ में बहुत अपग्रेड करना है। मैं बोला क्या सर? बोला तू किधर पे हेयर कटिंग करते? मैं बोला सर सैलून में जाके। बोला कितना लेता है? बोला 10 रुपया लेते हैं। बोला आज उसमें जाना छोड़ दे। बोला क्यों सर? बोले अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं बोला कैसे सर? बोले एक अच्छा सैलून में जा, अच्छा पार्लर में जा, जिधर पे एयर कंडीशन लगा हुआ है, जिधर पे तेरे को मिनिमम 300-400 रुपया लेते हैं। मैं बोला सर क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ ऐसा जाना पड़ेगा, तेरे खुद के अंदर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। मैं बोला सर 300 रुपया हेयर कटिंग? बोला हाँ सर 300 रुपया हेयर कटिंग, 500 रुपया भी लग सकता है, लेकिन दिस इज योर अपग्रेडेशन। ऑलवेज अपने आप को मेंटेन कर, ड्रेस कोड मेंटेन कर। मैंने पहली बार ऐसा ब्यूटी पार्लर में गया और पहली बार देखा कि भाई हेयर कटिंग से पहले उधर पे ना आ जाते हैं, शैम्पू के आ जाते हैं। मैंने इससे पहले देखा था भाई हेयर कटिंग का बाद हमको, हम लोग घर में आके शैम्पू करते हैं, उधर पे जाके देखा पहली बार बिफोर हेयर कटिंग शैम्पू किया कर रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा परफ्यूम लगा रहा है, कितना कुछ लगा रहा है इधर उधर पे, कितना स्टरिलाइज प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कितना हाइजीनिक मेंटेन हो रहा है। जब हेयर कटिंग कंप्लीट हुआ और 300 रुपया मैंने दिया और उस दुकान से बाहर आया, फिर मेरे को पता चला जिंदगी में अपग्रेडेशन करने का क्या फायदा है। मेरे को 300 रुपया उस दिन चला गया, लेकिन मेरे को 3,03,00,000 रुपया का माइंडसेट हो गया। मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत लोग से अलग हो गया। इसको बोलते हैं चेंज इन लाइफ। सर ने बोला सुरंजन तू चाय किधर पे पीता? मैंने सर रास्ते में पीता हूँ। बोला आज से जिस दुकान में तेरे को चाय कप के साथ प्लेट के साथ देगा उधर पे चाय पीना है, रास्ते में नहीं चाय पीना है। मैं बोला क्यों सर? बोला तू दो आंख से देखता है, तेरे को 1,000 आंख देखते हैं, तेरा कोई जूनियर उधर से क्रॉस कर रहा है और तू रास्ते का दुकान में अपना बाहर में चाय पी रहा है, तेरा बिजनेस डाउन हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड एंड चेंज इन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। बहुत सारा टूल्स है, ये हम लोग अपना टीम में प्रमोट करते हैं और हार्मोनी ग्रुप का भी ऐसा कुछ ग्रुप हम लोग, आप लोग अपना टीम में पहुंच, ये सब बहुत बेसिक्स है। ड्रेस कोड, माई लाइफ स्टाइल बैच, जैसे हमारा टीम में एक सब बैच है जो हम लोग लगाते हैं, और बिकॉज वी आर द प्राउड मेंबर ऑफ माई लाइफ स्टाइल, वी आर द प्राउड मेंबर ऑफ टीम गोल्डन सॉल्यूशन, वी आर द प्राउड मेंबर ऑफ टीम हार्मोनी। अपना टीम का बैच, कंपनी का बैच लगाते हैं। एक बैग ओनली फॉर माई लाइफ, पेन कैलकुलेटर स्टेपलर, व्हाइट A4 साइज पेजेस पेन दिखाने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स, गाइडलाइन कॉपी, फॉलो अप लीफलेट, प्रोडक्ट लीफलेट, फॉलो अप ब्रोशर्स, प्लान फोल्डर, हार्वेस्ट का डायरी, माई लाइफ एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग व्हाट्सएप पे लॉग इन करते हैं, व्हाट्सएप पे डाटा भेज दे, व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आप ब्लू कलर का एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर्म भरो तो आपका प्रोफेशनलिज्म सामने आएगा। पे आउट डिटेल्स अगर आपके पास है तो बैंक में रखो, TDS सर्टिफिकेट, प्राइस लिस्ट, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का सर्टिफिकेट, वो भी लैमिनेट करके रखो बैग में, ऐसा फटा हुआ प्रिंट प्रिंट मत दिखाओ, उसको लैमिनेट करके बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड एलिमेंट्स उसको लैमिनेट करो, बैग में रखो। व्हाइट मार्कर बोर्ड हर किसी के पास होना चाहिए, 3 फीट बाई 2 फीट, उसमें घर में प्रैक्टिस करना चालू करना पड़ेगा होम मीटिंग के लिए। 3 नॉन परमानेंट मार्कर, ब्लैक, रेड एंड ब्लू, होम मीटिंग करने के लिए। प्रोडक्ट वीडियोस, आपका मोबाइल में प्रोडक्ट वीडियोस होना चाहिए, 95 न्यूट्री लाइफ का बच्चा, हर प्रोडक्ट का वीडियोज होना चाहिए। लैपटॉप,
डीटीसी अपना टीम में ये कंपलसरी है, डीटीसी एंड अबव का लैपटॉप कंपलसरी। प्रोजेक्टर अगर आप एसटीसी बन जाते हो आपका जरूर लेना पड़ेगा, बिकॉज ये सब बिजनेस टूल्स है। अगर हमारा पास नहीं है तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं आएगा। तो मेहनत का साथ अगर आपका एक्टिविटी भी मैच हो जाएगा तो आपका मेहनत काम में आएगा। इसीलिए ये सब फुल्ली लोडेड टूल्स जो आपको चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। ड्रेस कोड ये तो ऑल मीटिंग में बताए जाते हैं कि मेंटेन करना है। तो आज भी शुरुआत का टाइम में आरडी पटेल सर ने बताया कि बहुत लोग बिना ड्रेस कोड में हैं, चाहे आप घर में हो किधर पे हो। देखो मैं भी घर में हूँ, मैं भी माई लाइफ का ड्रेस कोड मतलब अपना ड्रेस कोड पहन के बैठा हूँ। आज सारे डायमंड्स लोग सारे एनटीसी आईटीसी सीटीसी देखो प्रॉपर्टीज में, बिकॉज इसीलिए तो इन लोग सक्सेसफुल है। हम लोग को बताना पड़ेगा, हम लोग को ड्रेस कोड पे जाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, पैसा फेंको तो पैसा आते हैं, जितना कॉइन डालोगे उतना नोट्स आएगा। मतलब अपने आप के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच लेना, लेके आना पड़ेगा। एक सेमिनार मीटिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा, अपने ड्रेस कोड पे खर्चा करना पड़ेगा, कुछ बुक्स खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, खुद के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ये डायमंड होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट इसके साथ साथ आप KYP नो योर प्लान बहुत अच्छा तरह से जानना है, नो योर प्रोडक्ट्स एंड नो योर पीपल। आप अपने अपने पीपल अपने टीम को जानो किसके साथ आप काम कर रहे हो, और नो योर प्रोडक्ट्स अपना प्रोडक्ट का जान, ओनली व्हाई व्हाट एंड हाउ, ज्यादा जानकारी लेने का जरूरत नहीं है। और वी आर सो लकी दैट हमारा श्वेता राय मैडम इतना अच्छा ट्रेनिंग कराती है, एवरी डे प्रोडक्ट ट्रेनिंग अपना लैंग्वेज पे भी चल रहा है अभी। तो हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ओनली व्हाट व्हाई एंड हाउ, व्हाट इज 95, क्या है उसमें इंग्रेडिएंट्स, व्हाई 95 क्यों देना है, और हाउ 95, कैसे डोसेज कितना लेना है, व्हाई लिव अगेन, व्हाट लिव अगेन एंड हाउ लिव अगेन, कितना चम्मच पीना है, कितना कैप्सूल खाना है, बच्चे को क्या डोज, एडल्ट को क्या डोज, प्रेग्नेंट वोमेन ले सकती है कि नहीं ले सकती है, डायलिसिस पेशेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते, दिस इज हाउ। तो ये सब चीज जानने के लिए हमारा हो जाएगा, दिस इज ऑल KYP, जानना जरूरी है। अभी आएंगे स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में, तो अभी मैं 10-15 मिनट लूंगा अपना सेशन खत्म करने से पहले। अभी ऑनलाइन कोरोना स्ट्रेटेजी मैंने बताया क्या, ऑनलाइन कोरोना स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी कोरोना में जा रहा है और कोरोना में बिजनेस बहुत फास्ट जा रहा है, तो हम लोग कुछ कोरोना स्ट्रेटेजी बनाया, तो आपको भी आप लोग का टीम में भी काम आ सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी आपका टीम में चल रहा है। तो मैं थोड़ा बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा इस फेज में, बिकॉज ज्यादा हम लोग आउटस्टेशन जा नहीं पा रहे हैं, घर के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा घर बैठे बैठे अपने आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट लीडर्स, घर बैठे बैठे ज्यादा लीडर्स को बनाना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ज्यादा टेरिटरी में मूव नहीं कर पा रहे हैं लीडर्स लोग, इसलिए हर एरिया में हर टेरिटरी में प्लान बोलने वाला प्लान वॉरियर्स को बनाना पड़ेगा। रिटेलिंग स्ट्रेटेजी विद आवर पावरफुल प्रोडक्ट्स एंड रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी विद आवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान। अभी आएंगे सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब कुछ भी करने से पहले दूसरों को बताने से पहले, अगर मैं एक टीसी हूं, मैं एक डीटीसी हूं, मैं एक सीटीसी हूं, मैं एक एनटीसी हूं, मैं एक एसटीसी हूं, मैं एक आरटीसी हूं, मैं कुछ भी हूं, अगर अभी भी मेरा डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है तो मेरे को पहले सेल्फ डेवलपमेंट करना जरूरी है, बिकॉज मेरा खुद को डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेवलप हो जाऊंगा तो मेरे को देख के लाखों लोग वैसे ही डेवलपमेंट हो जाएंगे। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि सेल्फ डेवलपमेंट से पहले करने के लिए पहले अपने आपका पास्ट एक्टिविटी के ऊपर पोस्टमार्टम करना जरूरी है। जैसे बिफोर लॉकडाउन जब हम लोग रेगुलर फील्ड में उतरते थे, ज्वाइनिंग का बाद ही किसी को प्लान लेके चला जाते थे, हम लोग को टाइम नहीं मिलता था डेवलपमेंट का। उस टाइम और आज में बहुत फर्क है, बिकॉज आज हमारे पास बहुत टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स पहले अपने आपका पास्ट एक्टिविटी का पोस्टमार्टम करिए। पोस्टमार्टम, हम लोग क्या क्या काम करते थे और क्या क्या गलत थे, उसको अगर पोस्टमार्टम करेंगे ना तो हमको खुद हमारा पास रिजल्ट आ जाएंगे और हम लोग उसके ऊपर से काम कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ डेवलपमेंट, फर्स्ट मेक ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ योर ओन एक्टिव। क्या क्या पोस्टमार्टम करना है, अगर आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं है एंड इट्स फ्यूचर का, पोस्टमार्टम करिए। नॉलेज अबाउट अवर कंपनी, कितना नॉलेज आपके पास है, थोरो नॉलेज ऑफ कंपनी बिजनेस प्लान, थोरो नॉलेज ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स, क्या आपको इन्विटेशन आते हैं, क्या आपको अप्रोच आता है, क्या आपको अपॉइंटमेंट थ्योरी आते हैं, शेयरिंग द प्लान इन प्रॉपर वे, कैसे प्लान बताया जाते हैं, क्या हम लोग सुर में गाना गाते हैं कि बेसुरा गाना गाते हैं, इसको पोस्टमार्टम करना जरूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि डायमंड बनेंगे तो पोस्टमार्टम करना जरूरी है। फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थ्योरी विद एक्साइटमेंट एंड एटीट्यूड, कौन सा एक्साइटमेंट, कौन सा एटीट्यूड में आपको फॉलो अप में जाना पड़ेगा। हर फॉलो अप पॉजिटिव हो सकते हैं,
हर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पॉजिटिव हो सकते हैं, बट हम लोग कैसे कर रहे हैं? क्या हमको वो टेक्निक मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो अपने आप को पहले सेल्फ एनालिसिस करिए, पोस्टमार्टम करिए, फिर हम लोग दूसरे को सिखाएंगे। दिस इज व्हाट सेल्फ डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ अपग्रेडेशन, अगर आपके पास मैंने टूल्स जो बताया वो सारा टूल्स अगर नहीं है तो वो टूल्स को पहले अपग्रेड करिए, वो टूल्स को पहले हमको अपडेट करना भी जरूरी है। होम मीटिंग एंड बेसिक ट्रेनिंग, हम लोग कुछ बेसिक ट्रेनिंग करते हैं उसका एक सिलेबस रखे हैं। ओके, बेसिक ट्रेनिंग का सिलेबस हम लोग एक 20-25 मिनट का एक बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, तो हम लोग उसमें क्या बताते हैं, बेसिक ट्रेनिंग का सिलेबस क्या है, उसमें हम लोग पहले बताते हैं बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक 2-5 मिनट। माई लाइफ का इनकम नॉलेज एंड अवार्ड रिवॉर्ड, बहुत लोग प्लान सुनने का टाइम में, ज्वाइनिंग का टाइम में प्लान का पूरा नॉलेज नहीं आते हैं। अगर हमको प्लान का नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस को प्रमोट करूंगा? इसलिए हम लोग बेसिक ट्रेनिंग में पहले प्लान बोनस प्लान सीखा, प्लान को क्लियर करते हैं। प्लान, व्हाट इज लॉयल्टी बोनस, व्हाट इज रैंक इनकम, व्हाट इज परफॉर्मेंस बोनस, व्हाट इज रिपर्चेस रिवॉर्ड बोनस, व्हाट इज अदर इनकम्स, व्हाट इज एसटीबी, व्हाट इज अवार्ड रिवॉर्ड। उसके बाद आते हैं एक एक लीडर को, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग सिखाते हैं व्हाट इज डिजायर पर्पस ड्रीम गोल, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड यू ज्वाइन इन माय लाइफ, हाउ टू स्टार्ट माय लाइफ बिजनेस, उसमें हम लोग 5 बेसिक सिखाते हैं। उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग, एवरी फ्राइडे एक्टिविटीज क्या है, मतलब हर फ्राइडे को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे कि सेल ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, सेल क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एटीट्यूड में आपको काम करना है, ओनरशिप लेके काम करना है, माइंड सेट कैसे लेना पड़ेगा, हार्ड वर्क फॉर 2-3 ईयर्स, विलिंगनेस टू चेंज, बाई चांस टू बाई चॉइस, लर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, ड्रेस कोड, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ये छोटा छोटा टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं बेसिक ट्रेनिंग में। हाउ टू लॉग इन, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कैसे लॉग इन करेगा, कैसे पैन केवाईसी एनईएफटी अपलोड करेगा वेबसाइट में। रिपर्चेस टूल क्या है, हर 4 रोलिंग वीक्स में उसका रिपर्चेस करना पड़ेगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इनकम फ्लश आउट हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ कूपन्स कैसे करते हैं, और क्या नेवर रूल्स है, कार्डिनल रूल बताए जाते हैं, कार्डिनल रूल मतलब क्या क्या नहीं करेंगे आप माय लाइफ बिजनेस में, ये आपका सिलेबस है बेसिक ट्रेनिंग का। तो उसके बाद आएंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग खुद का डेवलपमेंट किया, क्रिएटिंग लीडर्स फॉर टुमारो, मतलब आज ये घर बैठे बैठे जूम के द्वारा, ऑनलाइन पोर्ट के द्वारा, हम लोग हर लोगों का पास स्मार्टफोन है, तो हम लोग सबका जिसका लैपटॉप नहीं है स्मार्टफोन के द्वारा हम लोग टीम बिल्डिंग का काम भी करते रहेंगे। बिकॉज जब तक हम लोग सही टीम नहीं बनाएंगे तब तक हमारा सही बिजनेस नहीं बनेगा। हम लोग बताते हैं सही टीम बनाना सीखो तो ही सही बिजनेस बनेगा। जब तक हमारा टीम सही, टीम तो सब लोग बना लेते हैं लेकिन क्या वो टीम सही टीम है? अगर सही टीम नहीं बनते हैं तो सही बिजनेस कभी भी नहीं बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए टीम बनाना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो डेप्थ में उतरना पड़ेगा। अगर आपका फ्रंट लाइन है A1 लेकिन A1 इज नॉट एक्टिव, तो यू कैन गो टू A2, यू कैन गो डाउन टू A3, यू कैन गो डाउन टू A4, आप डेप्थ में उतर जाओ, लेकिन हम लोग को इन डेप्थ भी बिल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज टीम बनाने के लिए हमको कितना चाहिए, बिकॉज हमको मालूम है कि जितना डेप्थ में जाएंगे उतना मीठा पानी मिलते हैं। मतलब एक ट्यूबवेल खोद, आप ट्यूबवेल पे डीप में जाएंगे ना, मतलब 200 मीटर का जो पानी है, 200 फीट का, वो थोड़ा सॉल्टी है, 500 फीट का थोड़ा मीठा होते हैं, 1000 फीट का और मीठा होते हैं। तो आप जितना डेप्थ में जाओगे उतना अच्छा लीडर मिलने वाले हैं। तो क्या हम लोग A1 लेके काम कर रहे हैं तो शायद हमारा बिजनेस उतना लेवल पे नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर जरूरत पड़ेगा टीम बनाने के लिए आपको डेप्थ में उतरना भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव डायमंड। सो ऑनलाइन पे हम लोग जो कोरोना फेज में चल रहा है, कोविड फेज में चल रहा है, तो हम लोग रिटेलिंग स्टडीज, आपका टीम में भी सलील मथुर सर आए थे, ही इज अ मास्टर इन दिस सब्जेक्ट, और राजेश यादव सर भी आए थे मैंने देखा, तो ये सब लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करके गया विद आवर पावरफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट रिटेलिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरा हिंदुस्तान में माय लाइफ का सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है रिटेलिंग पे, बिकॉज हमारा पास वैसे प्रोडक्ट है। अभी सेफ फ्रॉम कोरोना प्रोडक्ट्स इन हाई डिमांड, क्या हाई डिमांड में है? जब तक वैक्सीन नहीं आती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन है अभी? वैक्सीन, बट अभी तो वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन जब आएगा तो सबसे हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट कौन होगा कोरोना में? वैक्सीन। अभी कब आएगा पता नहीं, कौन सा महीना में आएगा, कब आएगा, कितना दाम होगा कुछ पता नहीं, बट अभी हाल फिलहाल जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर कोरोना वो है फेस मास्क एंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश एंड सोप, और इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। इसमें से हमारा पास हैंड वॉश, सोप एंड इम्यूनिटी बिल्डिंग का सारे प्रोडक्ट्स हैं, और फेस मास्क और सैनिटाइजर भी कंपनी अभी फ्री में दे रहे हैं। बहुत जल्दी एज पर द मैनेजमेंट इन लास्ट मीटिंग
दे हैव टोल्ड दैट बहुत जल्दी इन लोग भी क्वालिटी सैनिटाइजर एंड क्वालिटी ग्लव्स हमारे बास्केट में लेके आने का सोचो। ये सारा जो प्रोडक्ट है ना ये हमारे पास है बास्केट में है, तो आज हम लोग विनिंग इंडस्ट्री में है, विनिंग प्रोडक्ट हमारा साथ है, तो आज हमारा रिटेलिंग बहुत बढ़ सकता है। इतना अच्छा जबरदस्त ब्रांड्स प्रोडक्ट्स अपने पास है और रेगुलर बेसिस में हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा पास ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, जबरदस्त प्रोडक्ट्स, जैसे कि आज कुछ दिन पहले हमको पता चला कि रामदेव बाबा ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम है कोरोनिल, और वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि कोरोनिल मतलब कोविड को ठीक कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कोरोनिल में जो जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे अश्वगंधा, तुलसी, मतलब गिलोय एंड पिपली, ये चार इंग्रेडिएंट्स है कोरोनिल, और ये चार इंग्रेडिएंट्स को लेके रामदेव बाबा बोल रहा है कि कोरोनिल कैन बी यूज्ड फॉर कोरोना ट्रीटमेंट। और अपना बास्केट में भी ऐसा प्रोडक्ट पिछले 4 साल से है, उसका नाम है फाइट स्ट्रेस, और फाइट स्ट्रेस और कोरोनिल का कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे एकदम हूबहू सेम है। मतलब हमारा पास और कुछ एक्स्ट्रा दो इंग्रेडिएंट्स इसलिए हम लोग पेटेंटेड है, बट मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगा अश्वगंधा, तुलसी, पिपली एंड गिलोय, ये चार मेजर इंग्रेडिएंट्स को लेकर कोरोनिल बना के रामदेव बाबा क्लेम कर रहे हैं इट शुड बी यूज्ड फॉर कोरोना ट्रीटमेंट। और अपना पास वैसे ही मतलब आयुष प्रीमियम मार्क्ड मतलब फाइट स्ट्रेस प्रोडक्ट ऑलरेडी है, सो इट इज वेरी इजी टू प्रमोट नाउअडेज। ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अपना पास है, तो हम लोग चाहे तो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये हमारा पास सबसे बड़ा अभी स्पेशली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट 95 न्यूट्रीलाइफ प्रोटीन पाउडर कवच ब्रश फॉर कोरोना प्रोडक्ट मेनली बता रहा हूँ, स्पिरुना गोल्ड, लिव अगेन, इम्यूनो 3 प्लस, फाइट स्ट्रेस, बिकॉज रेम निद्रा जो हमारा मतलब नींद ज्यादा होगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगा, डेली डिटॉक्स, आयुष वॉश, एंटी एलर्जी, कफ नील, ये सब कोरोना में काम आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और आज इतना इजी हो गया, सोचिए आप हमारा यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का सर के सामने आज अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर जाके प्रोडक्ट देके आती है, आज हम लोग आसाम का सीएम का साथ ही अपना एक लेडी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट देके आती है। इससे पहले हम लोग इसके देने के लिए सोचते थे, बट आज हमारा पास ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, त्रिपुरा का सीएम है, आज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, तो आज हम लोग अगर इन लोग भी ले रहे हैं बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कोविड, मतलब कोविड के लिए लोग इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, तो आज हम लोग सोचिए आज सीएम के पास पहुंच रहा है, मतलब यूनियन सेल मतलब सेंट्रल मिनिस्टर के पास हम लोग पहुंच रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, तो आज हम लोग अगर बात नहीं करेंगे टू सेल ए प्रोडक्ट यू हैव टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट, टू सेल ए प्रोडक्ट यू हैव टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज हम लोग बताते हैं स्पीक स्पीकर स्पीक, ऑलवेज बात करिए, अगर बात नहीं करेंगे इतना ट्रेनिंग लेने का बाद, हम लोग पहले बताते रहते हैं नॉलेज इज पावर। आज पिछले चार महीने में मतलब मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना हो रहा है, हम लोग करीबन 60 से 70 प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया है, और सोच सकते हो कि अगर हम लोग पहले बताते हैं नॉलेज इज पावर, ये नॉलेज इज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज इज पावर, ये नॉलेज जब तक हम लोग फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक नॉलेज कैसे पावर बनेगा दोस्त, ये नॉलेज को अप्लाई करना जरूरी है। इसीलिए प्रोडक्ट का जितना नॉलेज आ गया, बहुत नॉलेज आ गया, अभी मार्केट में बोलना चालू करना पड़ेगा, और अपना पास जितना भी रिसोर्सेस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए, बेसिक, प्रीमियम एंड लाइट। बेसिक कैटेगरी कौन सा है, जो आप जो मिनिमम 1500 से 1000 रुपया का माल मंथली ले सकते हैं, जिसका मंथली इनकम 10 से 15 हजार रुपया है, उसका बेसिक कैटेगरी में एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाइए। प्रीमियम कैटेगरी 2000 से 2500 रुपया का माल हर महीना ले सकते, जिसका मंथली इनकम 20 से 25 हजार रुपया है, जिसको हम लोग 2 से 2500 का प्रोडक्ट अप्रोच कर सकते हैं। किसी के पास 95 बोलने का जरूरत नहीं है, वो नहीं लेगा, लेकिन कौन किस कैटेगरी में आप डालते हो, बेसिक, प्रीमियम एंड इलाइट। इलाइट कैटेगरी मतलब जो आपका रिसोर्स में से 40 से 50 रुपया महीने का कमाते हैं, इसको हम लोग हर महीने का 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि इलाइट कैटेगरी, इसको हम लोग अलग से ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये 3 ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाओ, और जो लिंक आते हैं कंपनी और पंडित साहब जो लिंक भेजते हैं, वो लिंक को जिसको जो देना है उसको दे दो, बिकॉज बेसिक कैटेगरी को पास 95 नहीं जा सकते, उसके पास अस्पिरुला गोल्ड भेजो, इलाइट कैटेगरी को 95 दो, न्यूट्रीलाइफ दो, मतलब जो भी अच्छा प्रोडक्ट जो कॉस्टली प्रोडक्ट उसको दो, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अपना पास एक बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है, दिस इज द लास्ट, आई थिंक नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट वीक, मैक्सिमम प्रमोट करना चाहिए, और एक और भी कॉन्टेस्ट हमने दिया है, मतलब अपना रिपर्चेस का, अपना रिपर्चेस का 4 गुना अगर करेंगे तो हमको 15% एक्स्ट्रा इनकम मिलेंगे, एक्स्ट्रा कूपन मिलेंगे आफ्टर 6 महीना कंसेक्यूटिव भी हम लोग कर रहे हैं, और इसके कारण वी आर सो लकी, अपना कंपनी इस फेज में इतना सारा ऑफर दे रहा है और हमको बिजनेस डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है, वी आर सो लकी टू बी पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग।
ग्लोबल प्राइवेट सी, इसको भी हमको काम करना पड़ेगा नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट आने वाला मंथ 94 से लेके, मतलब 94 विल बी द लास्ट मंथ फॉर एंट्री, 99 तक हम लोग इसको कर सकते हैं। हर रोज हमारा प्रोडक्ट नहीं हो रहा है उसका, सिर्फ हम लोग भेजते रहेंगे अपना रिसोर्स के पास, अपना अपना ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में, और अपना पास जो प्रोडक्ट का वीडियोज है उस वीडियोज को हम लोग शेयर कर सकते हैं अपना जानकारी में जितना भी लोग है, इसके भी बहुत अच्छा हमारा मतलब रिटेलिंग हो सकते हैं। लास्ट आएंगे रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी, इसमें मतलब आप लोग माहिर हो, हम लोग माहिर है, रेगुलर ट्रेनिंग चल रहा है, 5 बाय 6 चल रहा है, और एक ही चीज बताना चाहूंगा, नाउ अगेन टाइम टू फोकस ऑन ए फ्रेश लिस्ट बिल्डिंग बिकॉज लेस देन 10% रिसोर्स हैज बीन अप्रोच्ड। सो ज्यादा लोग, इससे पहले हम लोग बोलते थे कि भाई सब लोग को बोल दिया, अभी बहुत रिसोर्स बढ़ गया, जिसको आप लोग बोले थे ना बोल दिया तो वो अभी आपको ढूंढ रहा है, आपका नंबर शायद उसके पास नहीं है, तो वापस पहुंचिए, बिकॉज आपने, हम लोग नहीं पहुंचेंगे दूसरा लोग पहुंचेंगे। जस्ट थिंक हाउ मेनी फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर योर कॉल, कितना माइग्रेंट वर्कर्स, कितना बाहर स्टेट में काम करने वाला लोग आज घर आके बैठे हैं, आजू बाजू में कुछ काम ढूंढ रहे हैं, तो अगर हम लोग बताएंगे तो शायद उन लोग अपना बिजनेस में आ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी, टेलीफोन इन्विटेशन, अप्रोच एंड अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन जूम भी हम लोग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपका टीम में भी हो रहा है, हमारा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, वीडियो लिंक शेयर करिए, ऑनलाइन जूम फॉलोअप होता है, अचीवर शेयरिंग होते हैं, ऑनलाइन जूम रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जैसे कि हमारा जो डिजिटल कन्वेंशन हुआ है, इस टाइप का कन्वेंशन हमारा टीम में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, कंपनी भी कर रहा है, इसको हम लोग काम में लगाएंगे, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टीम बन सकता है ऐसा, जूम पोर्ट में हम लोग मीटिंग करते हैं रेगुलर बेसिस में, और ऑल टाइप ऑफ इनकम को फोकस करिए, सिर्फ एसटीबी नहीं, अब रिटेल इनकम को फोकस करिए, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, लॉयल्टी बोनस सबको ऐड करेंगे ना, तो एक ही टर्नओवर पे बहुत ज्यादा, ये अपना प्लान का ब्यूटी है, एक ही टर्नओवर पे सब इनकम आते हैं, तो ये भी फोकस करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा सिस्टम प्लानिंग, व्हाट इज द सिस्टम, हमको पूरा जिंदगी में एक काम करना पड़ेगा, होम मीटिंग, सेमिनार, क्लोजिंग, ट्रेनिंग, रिटेलिंग। अभी सेमिनार बड़ा लेवल पे नहीं कर सकते हैं, पर छोटा छोटा लेवल पे अगर हम लोग कर सकते हैं, जिस एरिया ग्रीन जोन हो गया, जिस एरिया ऑरेंज जोन हो गया, जिस एरिया में अभी हम लोग काम कर सकते हैं, छोटा छोटा सेमिनार, छोटा छोटा होम मीटिंग कर सकते हैं, तो होम मीटिंग, सेमिनार, क्लोजिंग, ट्रेनिंग, रिटेलिंग, होम मीटिंग, सेमिनार, क्लोजिंग, ट्रेनिंग, ये हमारा पूरा जिंदगी का काम है, इसको बोलता है हमारा सिस्टम, ये होता है हमारा सिस्टम पूरा जिंदगी भर, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या हम लोग डायमंड है, कोई भी है, हमको पूरा जिंदगी यही काम करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है, दिस इज द सिस्टम। क्रिएट मैक्सिमम इंडिविजुअल प्लान वॉरियर्स फॉर ऑल द टेरिटरीज, हमारा सब टेरिटरीज में मैक्सिमम लेवल ऑफ प्लान वॉरियर्स, जो इंडिविजुअल प्लान बता सकते हैं, उसको हम लोग जूम मीटिंग में लेके कुछ भी करके, बिकॉज आज उन लोग प्लान नहीं अपने एरिया में बताएंगे तो बड़ा बड़ा लीडर स्पीकर जाके प्लान बोलना मुश्किल है, तो ऑनलाइन जो जूम मीटिंग हो रहा है उसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, साथ में जो जो एरिया ग्रीन जोन हो गया, जो जो एरिया में कोविड का तकलीफ नहीं है, उसमें अगर हम लोग ज्यादा प्लान बोलने वाला को रेडी कर सकते हैं और अपना हर टेरिटरी में, तो बहुत इजीली हम लोग अपना बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। होम मीटिंग हम लोग जो करेंगे उसके लिए मस्ट आप कैरी करिएगा अपना बैग में एक थर्मल गन, जो लास्ट नेशनल कन्वेंशन में अपना डीबीए नारायण साहब ने बताया था, एक थर्मल गन हर किसी का बैग में होना चाहिए, बिकॉज कभी भी कोई होम मीटिंग शुरू करने से पहले हम अपना बैग से निकाल के पहले अपना मतलब अपने आप पे इस्तेमाल करके बताएंगे, देखो भाई मेरे को कोविड नहीं है, मेरे को बुखार नहीं है, मैं 96 डिग्री फारेनहाइट हूँ, सो मेरे को कोविड नहीं है, सो आप मेरे लिए सुरक्षित हो, इसके बाद आप उसको भी देख लीजिए, उसका भी कोविड बुखार नहीं है, तो आप फ्री हो गया और हम लोग मिल के बात कर सकते हैं। तो हर किसी का बैग में एक 1500-1800-2000 रुपया प्राइस है इसका, आप बैग में रखिए, जो जो लोग होम मीटिंग कर रहे हैं एक थर्मल गन साथ में रखिए, और वापस बताऊंगा क्वालिटी मास्क पहनिए, क्वालिटी मास्क होम मीटिंग करने के टाइम में, और क्वालिटी सैनिटाइजर है, तीन चीज आप अपना साथ जरूर जरूर रखिएगा, और इस टाइप का होम मीटिंग जो अपना अपना छोटा छोटा घर में मास्क पहन के हम लोग करते हैं, इस टाइप का होम मीटिंग हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज बिना होम मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन पे कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन पे एक लेवल तक होगा, बट हम लोग को अभी अनलॉक हो गया, होम मीटिंग चालू करना है, और इसी लेवल पे हम लोग को रिक्रूटमेंट सिस्टम बढ़ाना है। होम मीटिंग जो कैसे करना है, होम मीटिंग का सिस्टम क्या है, बिफोर होम मीटिंग आपका होम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, गेस्ट को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, ड्यूरिंग होम मीटिंग में मोबाइल फोन शुड बी साइलेंट मोड, नो टी और स्नैक्स शुड बी ड्यूरिंग द मीटिंग, कैसे इनविटेशन एडिवेशन करना चाहिए स्पीकर को,
प्रोडक्ट डिस्प्ले जरूर होना चाहिए होम मीटिंग में आपका, जिधर होम मीटिंग करो उधर प्रोडक्ट डिस्प्ले चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग द टूल्स, प्लानिंग, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। आज ये मेरा सेशन नहीं है, बट आप लोग का सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम चलते हैं, चाहे हार्वेस्ट का पोर्ट में हो, हारमोनी का पोर्ट में हो, कोई भी पोर्ट में हो, हम लोग ये सिखाते हैं। तो बट होम मीटिंग शुरू करना है और जरूर 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 होम मीटिंग रेगुलरली कंटिन्यू करना है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। माय डियर फ्रेंड्स, फाइव बेसिक्स रेगुलरली करना है, फाइव बेसिक्स जो रेगुलरली करना चाहिए हर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर डायमंड तक पूरा जिंदगी, मतलब लिस्टिंग, इनविटेशन एंड अप्रोच, एसटीबी शो द प्लान, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, दिस इज फाइव बेसिक्स पूरा जिंदगी भर, डे वन से लेके लास्ट डे ऑफ माय लाइफस्टाइल, जिंदगी का आखिरी दिन तक हमको रेगुलरली करना है, हर किसी को करना है, इसके भी हम लोग को ध्यान देना है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग, हर शुक्रवार, हर फ्राइडे को हम लोग को क्लोजिंग एक्टिविटीज, एटलीस्ट अगर पूरा हफ्ता आप लोग को फोन नहीं करते हैं, एटलीस्ट हम लोग को फ्राइडे कॉल करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरा अगर क्लोजिंग नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीक अच्छा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीक कैसे करेंगे उसका प्लानिंग करना है। और रेगुलर बेसिस में फ्राइडे एक क्लोजिंग पॉइंट बनाना है, चाहे वो कुछ नियरेस्ट पीयूसी हो, नियरेस्ट एजेंसी पॉइंट हो, नियरेस्ट टीम ऑफिस हो, उधर पे हमको आके मिलना है और एक जगह पे इकट्ठा होना है, जो जिसका बिजनेस डाउन है और जिसका बिजनेस अप है, सब एक दूसरे को देख के उसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राइडे एक्टिविटीज, बिकॉज फ्राइडे का दिन डिसाइड करते हैं कि आने वाला बुधवार मेरा घर में कितना लक्ष्मी देवी आते हैं, लक्ष्मी माता कितना आएंगे, वो डिपेंड करेगा हर शुक्रवार आप क्या एक्टिविटी करते हो। सो बहुत लोग मतलब सैटरडे से थर्सडे बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन फ्राइडे स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम लोग अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो फ्राइडे एक्टिविटीज भी करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना सेशन खत्म करूंगा और लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो। बिकॉज हम लोग अगर गोल की बात करेंगे, बिकॉज मेरे को एक दिन अपना मेंटर प्रवीण चंदन सर ने बोले थे कि सुरंजन मैं 210,000 देने की ताकत रखता हूँ। सुरंजन, मैंने बहुत इशू लेके बात कर रहा था प्रवीण सर के साथ, बट प्रवीण सर मेरे को बोला कि सुरंजन मैं 210,000 रुपया देने की ताकत रखता हूँ, तू लेने की ताकत रख। मैंने पहली बार लाइफ में सोचा एक इंसान मेरे को 210,000 रुपया देने की ताकत का बात कर रहा है और मैं 210,000 लेने की ताकत नहीं रखता हूँ। लाइफ में ऐसा कभी मेरे को कोई बोला ही नहीं। तो मैंने उस दिन कमिटेड गोल लिया। व्हाट इज कमिटेड गोल? मतलब तूफान, बारिश, अंधेरा, कुछ भी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड आ जाए, फेस्टिवल आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को हर हफ्ता 210,000 लेना है। मैंने वो कमिटेड गोल में लेके आया। क्या आप लोग भी कमिटेड हो? हर हफ्ता 5,000 रुपया लेना है कि 10,000 रुपया लेना है कि 50,000 रुपया लेना है, कितना टर्नओवर करना है? बिकॉज जब तक हम लोग कमिटेड गोल में नहीं आते हैं ना, तब तक हमारा लाइफ शुरू नहीं है, बिजनेस शुरू, बिकॉज स्ट्रेटेजी, प्लानिंग सब उसके बाद बनते हैं। बिकॉज हम लोग अगर माइंडसेट लेंगे डायमंड बनेंगे, बट डायमंड बनने का माइंडसेट तो ले लिया, लेकिन मैंने क्या कमिटमेंट लिया कि इंटरेस्ट हुआ, मैं डायमंड होने का इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं डायमंड होने का कमिटेड हूँ, इसमें बहुत फर्क है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, हम लोग डे वन से कमिटमेंट लेके काम किया, डे वन से आपको बताना चाहूंगा, मैं पिछले करीबन 5 साल, 4.5-5 साल से कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव 210,000 हफ्ता में आ रहा है मेरे को। मैंने उस टाइम में कमिटमेंट लिया, मैं तूफान, बारिश, अंधेरा, कुछ भी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, कुछ भी फेस्टिवल आ जाएगा, लेकिन मेरे को 210,000 चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बट उस टाइम में मैंने कोविड का नाम नहीं लिया था, बिकॉज मालूम नहीं था ऐसा कोविड लॉकडाउन आने वाला है। आपको बताना चाहूंगा, मैं कमिटेड गोल पिछले 4.5-5 साल से कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव मेंटेन कर रहा हूँ 210,000 एवरी। ऐसा कोई वीक नहीं है जो 210,000 मेरे को नहीं आया, बट 350 वीक जो फर्स्ट लॉकडाउन कट ऑफ हुआ उसमें मेरा सीलिंग टूट गया, मतलब 210,000 अचानक 1,00,000 में आ गया, बिकॉज पूरा कोई बिजनेस हुआ ही नहीं, बट फिर भी 1,00,000 हुआ। बट उस फेज में ना सब लोग घर में रात को सो नहीं पा रहा था, क्यों? बिकॉज ये कोविड आ गया, क्या हो गया, लॉकडाउन चल गया, नौकरी चला जा रहा है, क्या होगा, सब लोग रात को सो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना का डर में। लेकिन मैं भी रात को सो नहीं पा रहा हूँ, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, इट वॉज बिकॉज मेरा कमिटेड गोल टूट गया, मेरा सीलिंग टूट गया, मेरा टर्नओवर टूट गया, बिकॉज मैं कमिटेड गोल में हूँ। जिस दिन मैंने कमिटेड गोल किया, मैंने अपना माता पिता को प्रणाम किया, मैंने अपना मम्मी को प्रणाम करके, मैंने आपका बीवी का बच्चे का सामने कमिटमेंट लिया कि मैंने हर हफ्ता सीलिंग जाऊंगा। और क्यों मैंने फैमिली का इस्तेमाल किया? बिकॉज इन लोग का साथ मैंने सामने जाके मैं कमिटमेंट लेता हूँ तो वो चीज होते हैं। तो आप लोग अगर डायमंड बनना चाहते हो तो आज कमिटेड गोल में आइए माय डियर फ्रेंड्स, आज कमिटेड गोल में आइए, बिकॉज कमिटेड गोल में नहीं आएंगे तो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नाउ टाइम फॉर चेंज। क्या हम लोग रेडी है चेंज के लिए? जैसे कि मैंने जब कोविड आया
मैंने अपना सोचा कि इससे पहले मैंने कभी लाइट कैमरा एक्शन, हम लोग स्टेज में चढ़ने वाला लोग है, स्टेज में बातें, स्टेज में इधर उधर माइक लेके दौड़ेंगे, एक्साइटमेंट, सिटी क्लैपिंग, मतलब पूरा ओवर क्राउड। इससे पहले मैं गांधीनगर पे आया था आज से कुछ महीने पहले एक ऐसे रसल करने के लिए, आप लोग से मिला, कितना ओवर क्राउड हॉल, मतलब उसी दिन देखा था व्हाट इज द पावर ऑफ हारमोनी ग्रुप आपका, आप लोग का। मैंने उसके बाद बैटल सर, नाटू भाई बैटल सर को फोन करके बोला यू आर सो लकी हैविंग दिस वंडरफुल टीम, मतलब आप लोग का एक्साइटमेंट मैंने देख के आया गांधीनगर में जाके। बट मैंने हम लोग उस स्टेज में चढ़ने वाला लोग है, दौड़ने वाला लोग है, एक्साइटमेंट में काम करने वाला लोग है, लेकिन क्या पहली बार, इससे पहले भी जूम था, इससे पहले भी यूट्यूब लाइव था, लेकिन मैंने हम लोग कभी किया नहीं। बट जब सीलिंग टूट गया, कमिटेड गोल से बाहर आ गया, तो हम लोग दो वीक्स हम लोग सो नहीं पाया, फिर डिसीजन लिया कि लाइट कैमरा एक्शन, जो शाहरुख खान जाते हैं, अमिताभ बच्चन जाते हैं, जो ये सब सेलिब्रिटी लोग जाते हैं, तो हम लोग को भी जाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया, मैंने घर में स्टूडियो बना लिया, मैंने घर में स्टूडियो बनाया, ये देखो मेरा घर का स्टूडियो, मैंने घर में स्टूडियो बनाया और मैंने लाइट कैमरा एक्शन किया, सब सेटअप किया और मैंने अपना काउंसलिंग स्टार्ट किया टीम के साथ कनेक्ट हुआ, जो जो लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते थे सबके साथ कनेक्ट किया, रेगुलर ट्रेनिंग शुरू किया, ऑनलाइन जूम मीटिंग शुरू किया, ऑनलाइन यूट्यूब लाइव मीटिंग शुरू किया, जैसे आप लोग भी कर रहे हो, हरीश शेट्टीगढ़ सर कर रहे हैं, नटू भाई पटेल सर कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और इसके बाद वापस मेरा सीलिंग स्टार्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, वापस मतलब दो हफ्ता मेरा सीलिंग नहीं था और वापस मैं एवरी वीक अप्रोक्सीमेटली अभी 1.5 करोड़ के आसपास मेरा टीम क्लोजिंग चल रहा है अपना 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 गोल्डन सॉल्यूशन ग्रुप का। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कोई इंडस्ट्री बताइए जो इस लॉकडाउन कोविड में भी मतलब 1.5 करोड़ का धंधा का बात कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा मैं कंटिन्यूस सीलिंग में वापस आ गया, मेरा टीम में भी कुछ लोग सीलिंग में आ गया और मैं अभी एक वर्ड ऐड कर दिया लाइफ में। क्या वर्ड ऐड कर दिया, पहले बताते हैं, तूफान, बारिश, भूकंप, कुछ भी, फ्लड, कुछ भी आ जाए, फेस्टिवल, मेरा सीलिंग कभी नहीं टूटेगा। बट मैं अभी अपना कमिटेड गोल में और एक वर्ड ऐड किया, अभी क्या बोलता हूँ मैंने, तूफान, बारिश, फ्लड, कोविड, मतलब कुछ भी आ जाएगा, तूफान, बारिश, फ्लड, फेस्टिवल, कोविड, कोविड का बाप, कुछ भी आ जाएगा, फिर भी मेरा और मेरा टीम का, बहुत लोग का, ऑल ओवर इंडिया में सीलिंग नहीं टूटेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी आज डायमंड बनना चाहते हो, जैसे कि आज नटू भाई पटेल सर, हरीश शेट्टीगढ़ सर डायमंड बना और इन लोग का टीम में बहुत लोग अपकमिंग डायमंड है, तो आप लोग भी इन लोग जैसा बनना चाहते हो, तो इन लोग जैसा कमिटेड गोल में आइए माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद ये कमिटेड गोल में आएंगे तो प्लानिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करिए, तो ही आप डायमंड बन सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना फेज में अगर हम लोग 1 लाख टर्नओवर कर रहे हैं दो टीम, अब याद करिएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल होने के बाद आपका 5 लाख ये टर्नओवर बाय डिफॉल्ट, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट 5 लाख हो जाएगा। जो टीम अभी 1 लाख टर्नओवर कर रहा है, 2-3 महीना बाद जब नॉर्मल हो जाएगा ना, तब वही टीम का 5 लाख टर्नओवर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मतलब अभी मैं छोटा सा मैं अपना एक वीडियो शेयर करूंगा, मैं अपना एक वीडियो शेयर करके मतलब अपना मीटिंग क्लोज करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना लाइफ का भी वीडियो 5 मिनट शेयर करूंगा और आप सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोग इतना टाइम मेरा साथ थे। और दिस इज माई लाइव वीडियो, मतलब मैं ये वीडियो शेयर करके आज मेरा सेशन खत्म करना चाहूंगा। Thank you.
जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दीप में उजाला होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है। आज मैं तिनके से ताज का सफर तय करने वाले एक साहसी इंसान के जीवन की गाथा आपको सुनाना चाहता हूं। आज मैं आपको संघर्ष और सफलता की दास्तान सुनाना चाहता हूं। साल था 1977 का, जब पश्चिम बंगाल के एक गांव में एक गरीब परिवार के घर एक बालक का जन्म हुआ। किराए का एक छोटा सा घर, जहां बच्चे के आने की खुशी तो थी, लेकिन जो जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थीं, उसका एहसास भी था, यानी आमदनी कम और खर्च ज्यादा। वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक सरकारी बंगाली मीडियम स्कूल में डाल दिया गया। समय बीता और साल आया 1996 का। गरियाहाट में जो एक छोटी सी दुकान थी, वो भी वक्त और हालात की आंधी में खत्म हो गई। घर चलाने के लिए मेडिकल प्रतिनिधि के तौर पर उसने काम करना शुरू कर दिया। संघर्ष का दरिया सामने था और उसे हंसकर पार करना था। उस नौजवान के अंदर साहस के साथ साथ जिद भी था। उसी दरमियान साल 2004 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जानकारी मिली। फिर क्या था, पूरे हफ्ते काम करने के बाद हर रविवार को पूरा समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देने लगा। सुनहरा मोड़ तब आया जब उसे एक सेमिनार के लिए कोची जाना पड़ा। उस यात्रा ने जीवन को एक नई दिशा दिखला दी। अपने संघर्ष को उसने और बढ़ाया। 2005 में उसने अपनी खुद की टीम तैयार की और नाम रखा गोल्डन सॉल्यूशन। सफलता की देवी ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। बरसों की मेहनत रंग लाने लगी। जो बसों में धक्के खाता था, वो अब हर साल नई नई कारें खरीदने लगा। और खुशी का वो दौर भी आया जब वो नौजवान विवाह के बंधन में बंधा। जो इंसान पहली मर्तबा हवाई यात्रा के जरिए कोची जाकर खुश था, वो अब दुनिया की सैर करने लगा। के साथ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया, जहां मुलाकात हुई भारत की प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल से। उसके बाद आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो सिलसिला आज भी जारी है।
प्रॉपर्टी है। इससे पहले भी मैं 4-5 फ्लैट 2BHK 3BHK डुप्लेक्स बहुत सारा फ्लैट परचेज किया हूँ पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल डायरेक्टली, बट ये फ्लैट मेरे लिए सबसे इमोशनल आ रहा है भाई, बिकॉज ये जो घर देख रहे हो, ये घर का सामने जो फुटपाथ है उधर पे मेरा पापा का छोटा दुकान था, और वो दुकान से ही मेरा हमारा फैमिली चलते थे वंस अपॉन अ टाइम। उस टाइम का गवर्नमेंट एक दिन डिसीजन लिया कि फुटपाथ खाली करना है, और सारे फुटपाथ को एक दिन में रातों रात उसने सफा कर दिया, और रातों रात मेरा पापा बेकार हो गया, और बहुत मेहनत करके हमारा फैमिली को मेंटेन किया। उस टाइम ने देखा, हम लोग ने डिसीजन लिया कि हमको कुछ करना है घर के, करना है बहुत बहुत बड़ा बर्निंग विषय लेके हम लोग जिंदगी स्टार्ट किया उस टाइम के बाद। आई एम सो प्राउड ऑफ माई एल्डर सिस्टर, दोनों मिलके हम लोग उस टाइम ने पापा का साथ भी था, सब मिलके हम लोग उस टाइम फैमिली को मेंटेन किया और नौकरी शुरू किया। उसके बाद डायरेक्टली इंडस्ट्री में आया, और करीबन 15 साल मैं डायरेक्टली इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और एक दिन जब मैं माई रेस्टोरेंट आने के बाद, एक दिन जब शुरुआत में मैं इस स्तर के ऊपर से जा रहा था, एक दिन मैंने इधर पे देखा बहुत बड़ा फ्लैट बन रहा है, तो मैंने उधर पे जाके सीधा फ्लैट के अंदर घुसा और पूछा कि भैया ये फ्लैट क्या खाली है इधर पे। तब जो डेवलपर था मेरे को बोला कि इधर पे दो फ्लैट खाली है, एक फ्रंट में जो प्रीमियम है और एक पीछे में। तो मैंने पूछा क्या मिल सकता है, बोला हाँ मिल सकते हैं, लेकिन आपको इमीडिएटली बुकिंग करना पड़ेगा, दिस इज द लास्ट फ्लैट वी आर हैविंग। मैंने बुकिंग इमीडिएट उस फ्लैट में आया, मतलब कौन सा देखना, मैं बोला एकदम प्रीमियम वाला दिखा मेरे, तो प्रीमियम वाला दिखाने के लिए वो सामने लेके आया, और मैंने सीधा बैल्कनी में आके खड़ा हुआ, बैल्कनी से देखा मैं वही जगह जिधर पे रास्ते से मैं देखते थे पापा का जगह जिधर पानी डालते थे, उधर पे खड़ा होकर मैंने देखा कि सीधा मेरा पापा का दुकान दिख रहा है। मैंने डिसीजन लिया मेरे को यही फ्लैट खरीदना है। उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, शुरुआत में मैंने शुरू किया था, लेकिन डेडिकेशन लिया मैंने, जीत लिया पावर, मतलब एकदम पर्पस सेट किया मेरे को ये फ्लैट खरीदना है, और सीरियसली काम शुरू किया, दिन रात एक कर दिया, और अभी 1.5 साल हुआ मेरे को ये फ्लैट अपना रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने बहुत मेहनत करके फ्लैट किया, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू बड़वाला खुदा जीशु भगवान, थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, थैंक्स टू ग्रेट पावरफुल इंडस्ट्री डायरेक्शन इंडस्ट्री। चलिए मैं अपना परिवार के साथ आपका परिचय कराता हूँ। दिस इज माई मोस्ट ब्यूटिफुल फैमिली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, शी इज माई मदर, माई मोस्ट ब्यूटिफुल मदर, इसका नाम पूरा हिंदुस्तान आज माई लाइफ में जानते हैं, शीला दास, उसका उसी का नाम पे बिजनेस है, सन ओनली किड, हिज नेम इज मिस्टर शंभुराम, माई ग्रेट फादर एंड माई वाइफ। নমস্কার সবাইকে, আমি জুঙ্কি দাস, আমি দুটো ওয়ার্ড আমার জীবনে, যে ডেডিকেশন অ্যান্ড হার্ডওয়ার্ক, এই দুটো ওয়ার্ড আমি আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে শিখেছি। আই এম ভেরি মাচ প্রাউড অফ হিম, হি ইজ ভেরি মাচ ডেডিকেটেড টু মাই লাইফ। আমি হয়তো ও ওয়াইফ, কিন্তু ওর সব থেকে কাছে হলো মাই লাইফ। গুজরাটে এখন আমার দোকান ছিল, গুজরাটে ছেলে আছে, অনেক কষ্ট করে এই ফ্ল্যাটটা কিনে দিয়েছে, ফ্ল্যাটটা পেয়ে আমার 10 বছর আয়ু আরো বেড়ে গেছে। My lifestyle, 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 my lifestyle,
तो जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। So thank you so much. Thank you so much. मैं especially आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा।